Assalamu alaikum and good day all of you. This is Dr. Ahteshamul, Siddiqui, the master trainer for this session of training. CCIM or Ministry of AYUSH ki call par Jamia Tibbiya Deoband ke secretary Dr. Anwer Saeed sahab ne master trainer ke liye Ministry of AYUSH ko mera naam bheja. मैंने उनकी तरफ से जो मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग थी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और अब फिर अपने पूरे स्टाफ के लिए मैं ये ट्रेनिंग सेशन जो है वो कंडक्ट कर रहा हूँ अपने पूरे जामिया स्टाफ के लिए. इसके अंदर मेडिकल टीचिंग, मेडिक पैरामेडिक्स तक तमाम लोगों के लिए ये कर रहा हूँ. कोविड-19 की एक जंग ग्लोबली जारी है. हमारा मुल्क हिंदुस्तान और हमारे प्रधानमंत्री और हमारा हेल्थ सिस्टम इसके खिलाफ जिस तरीके से जी जान से लड़ा हुआ है उसके खातिरखा नतीजे भी आ रहे हैं और वो दूसरों के लिए एक तरीके से मार्गदर्शक भी हो रहा है. इस सिलसिले के अंदर जैसा कि आपके इल्म के अंदर है कि हमारा कॉलेज को एडमिनिस्ट्रेशन ने एक क्वारंटीन सेंटर के तौर पर, क्वारंटीन होम के तौर पर मुंतखब किया. वहाँ जो सस्पेक्टेड पेशेंट हैं वो क्वारंटाइन किए जा रहे हैं. डॉक्टर अनवर सईद साहब एज सेक्रेटरी और स्पेशली एज ह्यूमन बीइंग इस जंग के अंदर अपना जो रोल अदा कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम आपने मीडिया के थ्रू देखा होगा. नीडी जो है उनकी हेल्प करना, कॉलेज के अंदर जो क्वारंटाइन किए जा रहे हैं उसके अंदर जो पॉसिबल हेल्प है वो प्रोवाइड करना, उनके साथ जो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर हैं डॉक्टर अख्तसी साहब, इन दोनों की सरपरस्ती के अंदर हम लोग इस जंग को लड़ रहे हैं. और अगर इसके अंदर हम अपना कोई भी माइनर से माइनर भी रोल अदा कर सके तो हमारे लिए ये बड़े गर्व की, प्राउड की, फख्र की बात होगी कि हमारे कॉलेज ने सेक्रेटरी साहब डॉक्टर अनवर साहब की सरपरस्ती के अंदर इस जंग को किसी हद तक अपने लेवल के ऊपर लड़ा. तो आइए इस सिलसिले के अंदर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस टॉपिक के सिलसिले के अंदर ट्रेनिंग सेशन में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ. आज आपसे कोविड-19 के हवाले से गुफ्तगू करनी है और उसमें ख़ास तौर से जो बातें आपसे करनी है, जो डिस्कशन होना है वो कम्युनिटी मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा हमें फोकस करना है. लेकिन बात शुरू करने से पहले आइए समझते हैं कि कोविड-19 एक्चुअली है क्या. तो ये मालूमात जो आप तक पहुंचाई जा रही है ऑनलाइन, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ज़रिए जो है वो इकट्ठा की गई है, अखज की गई है और ये आप तक पहुँचाई जा रही है. तो कोविड-19 को जानने से पहले सबसे पहले हम दो तीन चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे कि ओरिजिन इसका क्या है, इसका स्कोप ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और इसका इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड क्या है, यानी कहाँ से इसकी इब्तिदा हुई, किस तरीके से ये फैला और दुनिया के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब हुए. तो सबसे पहले इसकी टाइमलाइन कि किस तरीके से किन किन टाइमों के अंदर ये फैलता चला गया. तो 12 दिसंबर 2019 को वुहान जो चीन का एक शहर है वहाँ पहला केस रिपोर्ट किया गया. याद रखिए 12 दिसंबर 2019 को वुहान के अंदर कोविड-19 का पहला केस रजिस्टर किया गया. 31 दिसंबर को चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने WHO को मुतनब्बे किया, उन्हें ये अलर्ट किया कि ये इस टाइप का केस है जो अननोन इटियोलॉजी का निमोनिया का टाइप है, यानी एक किस्म का निमोनिया जो है वो वहाँ मंजर आम पर आया और उसके बारे में चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने WHO को मालूम किया कि अननोन इटियोलॉजी का ये निमोनिया जो है ये वाकई हो रहा है. 1 जनवरी 2020 को वुहान सी फूड मार्केट वॉज क्लोज्ड. ये समझा गया कि ये जो वायरस फैल रहा था ये वुहान का जो सी फूड मार्केट है, जो वहाँ से जो सी के ज़रिए जो फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है जो सी फूड कहलाता है, वहाँ से ये वायरस फैल रहा था. तो 1 जनवरी 2020 को सी फूड मार्केट जो है वुहान का बंद कर दिया गया. 3 जनवरी को इंडिया नोटिफाइड बाई WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे मुल्क को, इंडिया को भी इस बात के लिए अलर्ट किया कि ये इस किस्म की सूरत हाल है
और आपको भी इसके सिलसिले के अंदर तैयार और होशियार हो जाना चाहिए। 7 जनवरी को 2019 में, यानी ये पिछले साल की बात है, 7 जनवरी 2019 को ये वायरस शनाख्त किया गया, जिसको उस वक्त नाम दिया गया 2019 NCOV, नोवेल कोरोना वायरस। इसको उस वक्त कहा गया नोवेल कोरोना वायरस, या 2019 NCOV वाज आइडेंटिफाइड ऑन 7 जनवरी 2019। 12 जनवरी को वुहान के अंदर इसकी गिरफ्त में आए हुए मरीज की पहली मौत वाकई हुई। 12 जनवरी को कोरोना वायरस से जो इन्फेक्शन हुआ था उसके ज़रिए पहली मौत वाकई हुई वुहान के अंदर। इसके बाद 13 जनवरी को ये चाइना से बाहर निकला और थाईलैंड ने कंफर्म किया पहला केस आउटसाइड ऑफ चाइना। अब तक जो जितने केसेस हो रहे थे वो चाइना के अंदर हो रहे थे, 13 जनवरी को चाइना से बाहर थाईलैंड के अंदर पहला केस रजिस्टर किया गया कोरोना वायरस इन्फेक्शन का। उसके बाद 30 जनवरी को इंडिया के अंदर फर्स्ट केस आया, इंडिया में अब तक कोई केस नहीं था, तो 30 जनवरी को फर्स्ट केस कोरोना वायरस इन्फेक्शन का रिकॉर्ड किया गया इंडिया के अंदर, और WHO ने डिक्लेयर किया कि ये जो पेंडेमिक हेल्थ एमरजेंसी और इंटरनेशनली कंसर्न, यानी ये हेल्थ एमरजेंसी जो है वो हो गई है। तो 11 फरवरी को उसके बाद वायरस रिनेम्ड SARS-CoV-2। सार्स का चूंकि पहले भी एक वायरस था SARS-CoV, तो उसके बाद ये चूंकि अननोन वायरस एक आया था इसी फैमिली से, तो इसको नाम दिया गया SARS-CoV-2, और डिजीज़ को नाम दिया गया COVID-19। डिजीज़ को COVID-19 नाम दिया गया। 28 फरवरी को WHO ने रीजनल ग्लोबल रिस्क को डिक्लेयर किया कि ये वेरी हाई है, रीजनल रिस्क भी वेरी, वो रिस्क भी वेरी हाई है, ग्लोबल रिस्क भी वेरी हाई है। 11 मार्च को WHO ने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया, 11 मार्च को पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया, और 2 अप्रैल को 199 कंट्रीज से ये इसके इन्फेक्शन के केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए। तो ये इसकी तकरीबन टाइमलाइन है दिसंबर से लेके और अप्रैल तक की टाइमलाइन है। आगे बात करते हैं WHO रिस्क असेसमेंट। तो WHO ने, जैसे मैंने बताया कि रीजनल वेरी हाई रिस्क, यानी इलाकाई तौर पर भी ये बहुत हाई रिस्क बीमारी थी, और ग्लोबली आफाकी तौर पर यह पूरी दुनिया के हवाले से अगर बात करें तो उस वक्त भी ये वेरी हाई रिस्क के अंदर जो है इसका शुमार होता था। कोरोना वायरस क्या है? लार्ज फैमिली ऑफ एनवेलप्ड पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA वायरसेस। ये एक फैमिली है पूरी, इसके अंदर से कुछ पहले भी शनाख्त हो चुके थे, लेकिन ये एक नया वायरस इस फैमिली के अंदर ऐड हुआ था जिसके बारे में अभी तक दुनिया अनजान थी, उससे नावाकिफ थी। तो लार्ज फैमिली ऑफ एनवेलप्ड पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA वायरस, ये ऑलरेडी ये फैमिली है इसके बारे में है, और इसके अंदर ये नया एडिशन था। इकोलॉजिकली डाइवर्स, सर्कुलेट्स इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, दोनों के अंदर जो है सर्कुलेट करता है। डिवाइडेड इनटू 4 जेनेरा, 4 जेनरेशन के अंदर डिवाइड किया गया, अल्फा बीटा डेल्टा एंड गामा, अल्फा बीटा डेल्टा एंड गामा। अल्फा एंड बीटा COVs इन्फेक्ट ह्यूमंस, अल्फा एंड बीटा COVs इन्फेक्ट ह्यूमंस। 4 SCOVs, SCOV-229E, NL-63, ZOC-43 एंड HKU-1 एपिडेमिक ग्लोबली। 10-30% ऑफ अपर RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन एडल्ट, यानी इन वायरसेस ने 10-30% तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो पैदा किया। रेयरली एनिमल कोरोना वायरसेस इवॉल्व एंड इन्फेक्ट पीपल एंड देन स्प्रेड बिटवीन पीपल। SARS-2002 जो पहले एनिमल्स में डेवलप हुए और बाद में ह्यूमन में ट्रांसफर हुए, उसके अंदर जो 2 कोरोना वायरस हैं उसमें SARS जो 2000 के अंदर वाकई हुआ, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसके अंदर बहुत सारी मौतें वाकई हुई, और MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो 2012 के अंदर वाकई हुआ। कोरोना वायरस ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी किस तरीके से ये एक से दूसरे तक पहुँचता है, इसके बारे के अंदर बात करें तो ये इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स के ज़रिए पहुँचने वाला इन्फेक्शन है, जो हमारी खांसी या हमारी छींकों के ज़रिए या हमारे मुंह के ज़रिए या नाक के ज़रिए जो रतूबत निकलती है वो उसके ज़रिए अगर वो दूसरे आदमी तक, हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाती है तो वो आदमी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वो इसका एक ज़रिया है। इसमें ड्रॉप की जो साइज़ होता है, जो हमारे छींक के ज़रिए या खांसी के ज़रिए हमारे मुँह से या नाक से निकलती हैं, 5 μm, और ट्रेवल इसकी हो सकती है 1 मीटर के करीब इसके जा सकता है ये ड्रॉपलेट। इसका साइज मैंने बताया कि 5 μm और 1 मीटर जो है
वो जा सकती है। एरोसोल्स, जब ये हवा के इसके अंदर बुलबुले बन जाते हैं, हवा के साथ ये मिक्स हो जाती है, तो इसका साइज़ जो है लेस देन 5 माइक्रोमीटर हो जाता है और ट्रैवलिंग कैपेसिटी जो है इसकी वो 1 मीटर से तकरीबन बढ़ जाती है एरोसोल्स बनने के बाद, यानी हवा के अंदर मिक्स होने के बाद जब इसके एरोसोल्स बन जाते हैं, हवाई बुलबुले बन जाते हैं उस इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट के, तो ये इसका साइज़ छोटा हो जाता है और इसकी ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर से ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉन्टैक्ट्स, अब किस तरीके से कॉन्टैक्ट्स में आता है, जनरली कॉन्टैक्ट में आता है हैंड्स के ज़रिए, यानी सबसे पहले प्राय बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन जो होता है वो हैंड के ज़रिए आता है और सरफेसिस के ज़रिए आता है। सर्वाइवेबिलिटी, ये कब तक आउटसाइड बॉडी, चूँकि फायदा ये है कि मल्टीप्लाई होने के लिए वायरस को सेल की ज़रूरत हो रही है, सेल में दाखिल होने के लिए उसे अंदर बॉडी के अंदर दाखिल होना होता है, लेकिन जब तक ये बॉडी के बाहर रहता है तो ये कितने टाइम तक सर्वाइव रहता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये सर्वाइबिलिटी इसकी जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी वो 1-2 डेज ऑन नॉन पोरस सर्फेसिस, नॉन पोरस सर्फेसिस जिनमें एक सुराख ना हो, जो छिद्र ना हो, पोर्स ना हो, उनके अंदर 1 से 2 दिन रह तक इसकी सर्वाइव रहने की एक ताकत है। और ये समझा जाता है कि 8 से 12 घंटे तक जो पोरस सर्फेसिस हैं, यानी जिनके अंदर हल्के सुराख चाहे वो दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो पोरस सर्फेसिस हैं उनके ऊपर 8 से 12 घंटे तक ये सर्वाइव कर सकता है। ये करंट इन्फॉर्मेशन है जो अब तक इसके बारे में ये बताई गई है, लेकिन अभी तहकीकात जारी हैं। तो ये जब तहकीक, जो रिसर्च किसी चीज़ के ऊपर होती है, तो आज जो चीज़ सामने है वो कल तब्दील भी हो सकती है, तो इसके अंदर तब्दील होने की गुंजाइश मौजूद है। इंक्यूबेशन पीरियड, यानी ये इंक्यूबेशन पीरियड उस चीज़ को कहते हैं कि इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने से उसके सिम्टम्स जाहिर होने के बीच के अंदर जो मुद्दत होती है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इस इन्फेक्शन का, तो करंट एस्टिमेट्स ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सार्स कोविड 2 रेंज फ्रॉम 2 to 14 डेज, यानी जिसको आम जबान में अब हम कह रहे हैं कोविड-19, इसका इन्फेक्शन जब होता है तो इसका आम इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 से 14 दिन होता है, लेकिन एक औसत पीरियड जो है वो 5 दिन माना गया है इसका। और ये जहन में रखें कि ये तब्दील हो सकता है, और ये 14 दिन से, ये 2 से 14 दिन आमतौर पर माना गया है, लेकिन ये 28 दिन तक भी जा सकता है। औसत इसका 5 दिन है, लेकिन ये 5 दिन से ज़्यादा भी बढ़ सकता है। अभी आप ये स्लाइड देख रहे हैं, कोरोना वायरस ट्रांसमिसिबिलिटी, ये आप देख रहे हैं, ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ये छींका, ये ड्रॉपलेट जो है वहाँ से रिलीज हुई और किस तरीके से ये ड्रॉपलेट्स जो हैं ये आगे ये ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ड्रॉपलेट जब एक हेल्दी पर्सन के कॉन्टेक्ट में आती हैं तो वो पहले इन्फेक्ट होता है, और जब दूसरा पर्सन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंटामिनेशन में आता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है बीमार उसके जो इन्फेक्टेड पर्सन है, तो वो उसके बाद इन्फेक्टेड हो जाता है। इसी तरीके से ये कन्फर्म केसेस या कॉन्टैक्ट केसेस या सस्पेक्ट केसेस जो हैं वो बनते हैं, यानी जिसके ऊपर इसमें आगे की गुफ्तगू होगी सिलसिले के अंदर। केसेस एंड डेथ इन चाइना, चाइना की बात क्यों कर, चाइना के अंदर सबसे पहले शुरू हुआ था, तो ये 4 मार्च 2020 तक के स्टेटिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड ये सब आंकड़े हैं। तो चाइना के अंदर केसेज एंड डेथ्स, हुबई जो वहाँ का एक सूबा है, वहाँ 67,332 यानी 67,332 केसेस रजिस्टर किए गए और उसके अंदर डेथ्स हुई 2871। ये याद रखिएगा, 4 मार्च 2020 तक की बात हो रही है। हुबई में 67,332 इन्फेक्शन हुए, इन्फेक्टेड पेशेंट मिले, उसके अंदर से 2871 मौत वाकई हुई। ये केस फेटेलिटी रेट CFR जो परसेंटेज क्या है, यानी मौत वाकई होने की शरेआमबाद जिसको कहते हैं, ये मृत्यु दर जिसको कहते हैं, वो क्या हुई 4.2%, यानी हर 100 आदमियों के अंदर 4.2 आदमी जो है या 4.2 मरीज या 4.2 जो है वो जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स थे वो उनकी डेथ वाकई हो गई। आउटसाइड हुबई जो चाइना के अंदर ही आउटसाइड हुबई जो है वो 13,090 केसेज रजिस्टर किए गए, 113 डेथ हुई, और हुबई से बाहर शरीर अम्बाद या मृत्यु दर जो थी या CFR जो थी वो 0.8% थी। टोटल चाइना के अंदर 4 मार्च 2020 की स्टेटिस्टिक्स के हवाले से 80,422 केसेस रजिस्टर किए गए, 2,984 डेथ्स हुई, मौत वाकई हुई, और 3.7 CFR या उसकी मृत्यु दर या शरीर अम्बाद जो है वो रिकॉर्ड की गई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस आउटसाइड चाइना, नंबर ऑफ कंट्री रिपोर्टिंग डीज इन्फेक्शन, यानी जितने दुनिया के अंदर जितने कंट्रीज़ के अंदर ये इन्फेक्शन जो है फैला और वहाँ से रिपोर्ट किया गया, तो तकरीबन 200 कंट्रीज़ प्लस माइनस
वो इन्होंने रिपोर्ट किया कि उनके यहाँ ये इन्फेक्शन फैले, और 2 अप्रैल 2020 तक का जो डाटा है उसके हवाले से, अब ये डाटा बढ़ गया है काफ़ी, लेकिन 2 अप्रैल 2020 तक के हवाले से ये केसेस 8,23,626 केसेस रिपोर्ट किए गए, जिसके अंदर 40,598 मौत वाकई हुई, और जिसमें शरे अमवात या CFR ये मृत्यु दर जो है वो परसेंटेज थी 4.8%। इटली के अंदर ये CFR ये मृत्यु दर या शरे अमवात जिसको हम कह रहे हैं ये 10% है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है 10% ये 2 अप्रैल 2020 के हवाले से। ईरान के अंदर ये CFR या शरे मौत या शरे अमवात या मृत्यु दर ये 7% थी, और फ्रांस के अंदर ये 5% थी। अब जो अलामत जाहिर होती हैं, अब ये बहुत आम हो गई, ये बात तकरीबन सभी लोगों को मालूम है कि आमतौर से इसके अंदर बुखार होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, खांसी होती है, ड्राई कफ होती है, शॉर्ट ब्रीथिंग होती है, सांस छोटे छोटे होने लगते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, हेडेक्स होगा, बॉडी एक्स होंगे, मेलेज होगा। आम तौर से चूंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ही सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा इसके अंदर होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर एब्डोमिनल सिम्टम्स भी पाए जा सकते हैं, वॉमिटिंग्स भी हो सकती हैं, डायरिया भी हो सकता है, और चिल्स वगैरह ये सब इसके अंदर होती है। तो चाइना में कौन से सिम्टम कितने पाए गए, कितने परसेंट पाए गए, ये एक ग्राफ जो है आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि फीवर जो है वो सबसे ज़्यादा 87.9% केसेस के अंदर फीवर का सिम्टम जो है वो सबसे ज़्यादा पाया गया। 67.7% पेशेंट्स के अंदर कॉफ खांसी वो एक सिम्टम के तौर पर पाई गई। 38.1% के अंदर फैटी यानी थकन ये एक सिम्टम के तौर पर पाई गई। स्पुटम बलगम आना खांसी के साथ वो 33.4% केसेस के अंदर पाया गया। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सांस का छोटा होना ये बार बार सांस का लेना ये इस तरीके के सिम्टम्स जो हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के वो 18.6% केसेस के अंदर पाए गए। माइल्डिया आधा शिकनी या मतलब हाथ पैरों के अंदर दर्द होना, अजलात के अंदर दर्द होना, मसल्स के अंदर दर्द होना ये माइल्डिया पाया गया 14.8% केसेस के अंदर। सॉर थ्रॉट गले के अंदर खराश होना 13.9% केसेस के अंदर पाया गया। हेडेक सर में दर्द होना 13.6% केसेस के अंदर पाया गया। चिल्स सर्दी लगना लर्जा होना 11% केसेस के अंदर पाया गया। वॉमिटिंग 5% केसेस में पाई गई, और डायरिया 3.7% केसेस में पाया गया, यानी सबसे कम पाया गया लेकिन पाया गया। एपिडेमियोलॉजी प्रेजेंटेशन ऑफ इलनेस 72,314 केसेस के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसके अंदर क्रिटिकल सिर्फ 4.7% केसेस 72,314 केसेस जब तक रिकॉर्ड किए गए उस वक्त तक, ये एक आप देख रहे हैं ग्राफ देख रहे हैं, ये क्रिटिकल केसेस 4.7%, सीवियर केसेस 14% और माइल्ड केसेस 81%। अभी भी ये समझा जाता है कि उमूमी तौर पर चूंकि आदमी जो इन्फेक्शन ले रहा है, जिसको इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी इम्यूनिटी सबसे पहले उसकी हिफाजत करती है, उसके उस इन्फेक्शन के खिलाफ काम करती है, तो आम तौर से 81% केसेस के अंदर इन्फेक्शन होता है और उसकी इम्यूनिटी काम करती है, बगैर कोई बहुत सीवियर सिम्टम्स साइन सिम्टम्स आते हुए ये बीमारी अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो मैं फिर दोहरा दूँ कि माइल्ड केसेस जो हैं वो 81%, सीवियर केसेस 14% और क्रिटिकल केसेस जो है ओनली 4.7%। सीवियरिटी ऑफ इलनेस अकॉर्डिंग टू एज यानी किस एज के अंदर केस फैटेलिटी रेट क्या रहा, ये एक ग्राफ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। 72,314 का सैंपल है, इसके अंदर जो 80 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग थे उनके अंदर CFR या केस फैटेलिटी रेट या मृत्यु दर या शरह अमवात सबसे ज़्यादा पाई गई, ये तकरीबन 15% ये पाई गई, यानी जो लोग 80 साल से ज़्यादा की उम्र थे वो ज़्यादा गिरफ्त में आए और ज़्यादा उनके अंदर शरह अमवात हुई, वो तकरीबन हर 100 आदमियों के अंदर 15 लोगों की मौत वाकई हो गई। 70 से 79 साल की उम्र तक का जो ग्रुप था उसके अंदर ये 8% CFR यानी शरह अमवात या मृत्यु दर, ये CFR आप याद रखिएगा कि शरह अमवात या मृत्यु दर हर 100 आदमियों के अंदर कितने लोग मर रहे हैं, तो 70 से 79 साल की एज के अंदर शरह अमवात या CFR रही 8%, 100 आदमियों के अंदर जो है वो उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। 60 से 69 साल की उम्र के अंदर इस ग्रुप के अंदर ये कम हो गई CFR और ये तकरीबन 3 और 4 के बीच के अंदर रही,
तीन और चार के बीच के अंदर रही। 50 से 59 साल का एज ग्रुप जो है उसके अंदर शरह अमवात या सीएफआर 2 से कम रही, और 30 से 39, 20 से 29, 10 से 19 या 0-9 यानी 0 से लेके 39 तक, ये आप कह सकते हैं कि ये 1 और 2 के बीच में रही, और 40 और 49 साल की उम्र के अंदर 1 और 2 के बीच में रही, लेकिन 0 से 39 से कुछ ज़्यादा रही। तो ये एज वाइज हो गया, एज ग्रुप के हिसाब से ये हो गया। साइंटिस्ट मेजर इंटेंसिटी ऑफ एन इन्फेक्शस डिजीज बाय इट्स रिप्रोडक्शन नंबर आर नॉट, यानी एक आदमी जो है वो कितने आदमियों को इन्फेक्ट कर सकता है, ये इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च जो अब तक हुई है उसके हवाले से। द एवरेज नंबर ऑफ पीपल ए सिक पर्सन विल इन्फेक्ट फॉर COVID-19 दिस हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 2.5। ये आप देख रहे हैं कि एक आदमी जो सर्किल के अंदर है ये 2.5 यानी 2.5 आदमियों को इन्फेक्ट कर सकता है, अगर वो लोग उसके क्रॉस उसमें कॉन्टेक्ट में आ जाए तो एक वक्त के अंदर 2.5 आदमियों को कॉन्टेक्ट वो इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन जिस सोशल डिस्टेंसिंग का की हम बात कर रहे हैं, अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग हम रिड्यूस कर दें यानी वो उसको सोशल कॉन्टेक्ट को रिड्यूस कर दें तो 5 दिन के अंदर एक आदमी सिर्फ 1.25 पीपल यानी वो आधा हो गया उससे, अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलेंगे तो 2.5 की जगह 1.25 यानी उससे आधे, सवा आदमी जिसे आप कहेंगे आम जुबान में, वो उनको इन्फेक्ट करेगा, और 30 दिन के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 आदमियों को इन्फेक्ट कर सकेगा। तो आप समझिए कि सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत क्या है। इसके अगेंस्ट मैं दिखाऊंगा कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा, इसको देख लीजिए पहले कि एक आदमी अगर सोशल डिस्टेंसिंग है तो 1.25, अगर मतलब इतनी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है लेकिन फिर भी है, तो 1.25 आदमियों को इन्फेक्ट करेगा और ये 5 दिन में, और 30 दिन के अंदर ये इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते 15 आदमियों तक पहुंच जाएगा। इसके अगेंस्ट अगर हम एज यूजुअल रहते हैं, कोई डिस्टेंसिंग नहीं रखते, तो एक आदमी, ये देख रहे हैं एक आदमी जो दायरे के अंदर सर्किल के अंदर है ये इन्फेक्ट कर रहा है 2.5 पीपल, 2.5 आदमियों को इन्फेक्ट कर रहा है, और 30 दिन के अंदर ये इन्फेक्टेड पीपल का डाटा बढ़ के 406 आदमियों का पहुंच जाता है। अब आप देखिएगा कि पिछली उसके अंदर जहां हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हुई थी किसी हद तक, पूरी नहीं, वहां 30 दिन के अंदर सिर्फ 15 आदमी जो है वो इन्फेक्ट हुए, और जब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी तो 30 दिन के अंदर 406 आदमियों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन एक आदमी ने पहुंचाया। इंडिया के अंदर देखिए कर्व, डिजीज का कर्व किस तरीके से इंडिया के अंदर बढ़ी। आप ये देख रहे हैं कि 4 मार्च को हल्का सा एक नोटिफिकेशन था, थोड़े बहुत केसेस थे, 1-2 केसेस थे, और ये आहिस्ता 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 बढ़ते बढ़ते ग्राफ देखिए, ये ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, और ये 29 मार्च तक, 2 अप्रैल तक का है ये डाटा, तो ये 29 मार्च को, ये 29 मार्च के बाद जो है सबसे लंबा ग्राफ है, और इसके बाद अब ये जो है वो बढ़ रहा है। आप रोज़ाना उसके अखबारों के अंदर मीडिया के जरिए देख रहे हैं। आपको जब भी करेक्ट डाटा की ज़रूरत हो तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर जाइए, WHO की वेबसाइट पर जाइए, और वहाँ से एग्जैक्ट डाटा कलेक्ट कीजिए। कंक्लूजन क्या है, इतनी गुफ्तगू का कंक्लूजन क्या है, COVID-19 रेस्पिरेटरी पैथोजन इजीली ट्रांसमिसिबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। COVID-19 जो है वो एक जो हमारा निज़ाम तनफ्फुस है या सांस लेने का जो हमारा सिस्टम है समझे, उसका एक पैथोजन है, उसका एक इन्फेक्शन है, इजीली ट्रांसमिसिबल, जो आसानी से एक आदमी से दूसरे आदमी तक जा सकता है। एल्डरली एंड कोमोर्बिड आर एट हाई रिस्क, जो बूढ़े लोग हैं और कोमॉर्बिड किन पेशेंट को आ जाएगा कि जिनको इन्फेक्शन हो रहा है कोरोना वायरस का, और उनके साथ साथ उनको कुछ दूसरी बीमारियां हैं, मसलन हाइपरटेंशन की बीमारी है, मसलन डायबिटीज मेलाइटिस है उनको, मसलन कार्डियक डिजीज है, रीनल डिजीज है, इस टाइप की अगर कुछ और बीमारियां उनके साथ हैं लगी हुई और उनको कोरोना इन्फेक्शन भी हो गया है तो वो एट हाई रिस्क हैं, या नहीं हुआ है इन्फेक्शन तो इन बीमारियों से जो लोग ग्रसित हैं, जिन लोगों को ये बीमारियां हैं वो हाई रिस्क लेवल के अंदर, हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आएंगे। पेंडेमिक विद ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज, ये अब किसी एक मुल्क की सरहदों में कैद बीमारी नहीं है बल्कि पेंडेमिक हो गई है, यानी ग्लोबली बहुत सारे मुल्कों के अंदर, तकरीबन 200 प्लस माइनस 200 ज़्यादा मुल्कों के अंदर जो है वो ये फैल चुकी है और महामारी का रूप इख्तियार कर चुकी है। कंटेनमेंट एंड मिटिगेशन, अब इसको हम रोक कैसे सकते हैं, इसके क्या तरीके होंगे, ये सबसे ज़्यादा अहम है कि ये जो फैल रही है
सॉरी, इसको हम किस तरीके से रोकेंगे? तो सबसे पहले केस आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट हमें मालूम करना चाहिए, हमें पकड़ना पड़ेगा, केस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और उनको मैनेज करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट, एक इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से आया है, उसको हमें ट्रेस करना पड़ेगा। दिस इज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। लार्ज स्केल सोशल डिस्टेंसिंग फॉर पीरियडिक इंटरवल, वक्तन फवक्तन, थोड़े थोड़े वक्त, यानी ये हमें बराबर ये इस प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग के, और बड़े पैमाने पर अपनाना पड़ेगा। इसी चीज़ को हमारे प्रधानमंत्री ने इसी का ख्याल रखते हुए और इसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए ये कंप्लीट लॉकडाउन जो 14 तारीख तक का लॉकडाउन आपने ऐलान किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो इसी सोशल डिस्टेंसिंग को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करने के लिए जो है ये ऐलान किया गया था। हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, आइसोलेशन वार्ड्स, मेडिकल सप्लाईज, जितने हेल्थ सिस्टम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जितनी एजेंसीज हैं जो हेल्थ के लिए काम करती हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो आइसोलेशन वार्ड्स करें, क्वारंटीन वार्ड्स करें, मेडिकल सप्लाईज हैं, वेंटिलेटर की सप्लाईज है, मेडिसिन की सप्लाईज है, इक्विपमेंट की सप्लाईज है, पीपीईज की सप्लाईज है, ये तमाम सफिशियंट होनी चाहिए। और पब्लिक रिस्क कम्युनिकेशन, और सबसे ज़रूरी ये है कि हम अवेयर करें अपनी कम्युनिटी को, अपने मुल्क को, अपने आसपास के लोगों को, अपने मिलने जुलने वालों को, अपने दोस्त अहबाब को, जो कुछ भी हमारे करीब हैं, जहाँ तक भी हम अपने इसको अवेयर कर सकते हैं उतने लोगों को हम अवेयर करें। ये एक इब्तदाई गुफ्तगू थी इस हवाले से। अब कोविड 19 रेस्पॉन्स एंड कंटेनमेंट मीजर्स, ये एक्चुअली ये हमारे आपके जो आयुष के लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, उनके अंदर हमारा क्या रोल होगा, इस हवाले से ये गुफ्तगू की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ये PPT है, ये इसके जरिए आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं इस सिलसिले के अंदर कि व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न, इसके अंदर जो अब हम गुफ्तगू करेंगे इसके अंदर हम क्या सीखने जा रहे हैं। सबसे पहला रोल ऑफ द FLW। FLW क्या है? FLW फ्रंट लाइन वॉरियर कहो, फ्रंट लाइन वर्कर कहो, या फील्ड लेवल वर्कर कहो, ये इन लोगों का इस बीमारी से लड़ने में और इसको रोकने के अंदर क्या रोल है। दूसरा अहम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंफॉर्मेशन टू द कम्युनिटी, समाज को, हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं, जहाँ तक हम एक्सेस कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं, उन लोगों तक इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तीसरा पार्ट है कम्युनिटी सर्विलेंस, यानी समाज के अंदर इस बीमारी की सर्विलेंस करना कि कहां कहां इसके इन्फेक्टेड लोग हैं, कॉन्टेक्ट के लोग हैं, सस्पेक्ट केसेस हैं, वो तमाम सर्विसेज करना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके अंदर, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब हमारे समाज में जिस टाइप का नेटवर्क है उसमें ये आमतौर से कहीं कहीं ये ऑब्जर्व करने में आ रहा है कि अगर किसी आदमी को ये मालूम हो गया कि ये कोविड पॉजिटिव है, कोविड-19 इसको इन्फेक्शन है, ये पॉजिटिव केस है या सस्पेक्टेड केस है, तो उसको एक स्टिग्मा की नज़र से, जिसे हीन भावना या एक अलग कर देने की नज़र से, या एक हकारत की नज़र से, या एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर पैदा कर देते हैं लोग कि इसको तो साहब ये इसको अलग कर दिया, ये तो इसको ये करीब आया तो बिल्कुल हमारे लिए ख़तरनाक साबित होगा, ऐसे स्टिग्मा पर जो है पैदा कर दिए जाते हैं और डिस्क्रिमिनेशन उसके ज़रिए जो है भेदभाव पैदा होने लगता है। तो इससे अवेयर करने की ज़रूरत है। पांचवा है सपोर्टिव पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, समाज के अंदर सपोर्टिव पब्लिक हेल्थ सर्विसेज से गुफ्तगू की जाए, उन्हें प्रोवाइड किया जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ है पर्सनल सेफ्टी। जब आप ये सब काम कर रहे हैं, चूँकि आप वॉरियर हैं, लड़ रहे हैं, आप गवर्नमेंट का वेपन हैं उस बीमारी के खिलाफ, आप वो हेल्थ सिस्टम का वेपन है, तो आपका सही सलामत रहना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी पर्सनल सेफ्टी जो है वो हमेशा आप अपने मलहूज़े खातिर रखें, ध्यान में रखें, और उससे कभी भी अननेसरी हीरोइक होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा हीरोइज्म दिखाएं। अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखें और जितने प्रोसीजर्स आपको एडवाइस किए गए हैं, जो PPEs आपके लिए एडवाइजेबल हैं, वो एडवाइस किए गए हैं, उनको आप अफोर्ड कीजिए और उनको वियर कीजिए। तो सेशन वन के अंदर रोल ऑफ ANM, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स, आशा वर्कर जो हैं, और AWW आंगनवाड़ी वर्कर, और इसी के अंदर हमारे जो आयुष के स्टूडेंट्स हैं वो भी आएंगे, आयुष का जो पैरामेडिक्स है वो भी इसी के अंदर आएगा। तो हेल्थ ANM अंडर गाइडेंस ऑफ DSO और MO मेडिकल ऑफिसर के, ये DSO के सुपरविजन में ये लोग काम करेंगे। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, नंबर एक,
प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स इंक्लूडिंग सोशल डिस्टेंसिंग ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ द कोविड। क्या काम होगा? पहला प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स, जो उसकी रोकथाम के तरीके हैं, इंक्लूडिंग सोशल डिस्टेंसिंग ड्यूरिंग द फेज ऑफ द कोविड। जब कोविड फैल रहा है, कोविड 19 की बीमारी फैल रही है, तो उस टाइम में उन तरीकों को बताना लोगों को, सोशल डिस्टेंसिंग का बताना और रोकथाम के जो तरीके हैं उनको बताना। दूसरा क्या है, एड्रेसिंग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन, जो गलत धारणाएं, जो कुछ मिथ्स जो है, बहुत किस्म के जो है इस ज़माने में मिथ्स फैले हुए हैं, लोगों को बात सुनने की अफवाह तरह की फैली हुई हैं, उन तमाम मिथ्स और मिसकंसेप्शंस, जो गलत ख्यालात हैं, उनको ख़त्म करना, उनको दूर करना। ठीक है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एज पर SOPs, अब जो SOPs बताएं, जो तरीके बताए जाएंगे, उस तरीके से जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कीजिए कि जो लोग कॉन्टैक्ट कहलाते हैं, आगे गुफ्तगू के अंदर हुआ कॉन्टैक्ट्स, तो कॉन्टैक्ट्स को कैसे आप ट्रेस करेंगे, उनको SOPs है। लिंक पब्लिक हेल्थ, होम क्वारंटीन, होम केयर एंड सपोर्ट सर्विसेज, आप जो डाउटफुल हैं वो उनको क्वारंटीन कैसे करना है, होम केयर कैसे करनी है, सपोर्ट सर्विसेज कैसे देनी है इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, दोनों शहरी और देहाती इलाकों के अंदर। साइको सोशल केयर एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, यहीं आपको जहां इन सब चीज़ों से अवेयर करना है, यहां आपको एक साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक रोल भी अदा करना है कि स्टिग्मा और जो मिसकंसेप्शन, वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के बीमारी के तहत कि ये घर जो है इसके अंदर कोविड का पेशेंट है तो इससे ताल्लुक नहीं रखना, इनसे अलग रहना, इनसे बहुत ही बिल्कुल जो है। एड्रेसिंग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस के बारे में बताया मैंने। सपोर्ट DSO ऑन नंबर एक, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एज पर SOPs, जो कॉन्टैक्ट केसेस हैं उनको ट्रेस करना जैसे कि SOPs में बताया गया है। बी, लिंक पब्लिक हेल्थ, होम क्वारंटीन, होम केयर एंड सपोर्टिव सर्विसेज फॉर प्रोबेबल केसेस, इसके अंदर जो केसेस हैं उसके अंदर उनके किनको क्वारंटीन करना है, कैसे केयर करनी है, क्या सपोर्ट देनी है इन अर्बन एंड रूरल एरियाज बोथ, यानी जो हमारे देहाती और शहरी इलाके हैं उन दोनों के अंदर करना। साइको सोशल केयर एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्य ये करना है, ये जिम्मेदारी आपकी है कि जो स्टिग्मा और जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और ये जो एक तरीके का अछूत बना देना है किसी ऐसे पेशेंट को कि जो इन्फेक्टेड है या सस्पेक्टेड है या उससे बिल्कुल सोशल कॉन्टैक्ट जो है वो ख़त्म कर देना है, इसके बारे के अंदर ये मिस जो है आपको, और ये तमाम दुर्भावनाएं जो हैं इनको आपको ख़त्म करना है। रिपोर्टिंग एंड फीडबैक अक्रॉस डिफरेंट फेजेज ऑफ COVID-19 पेंडेमिक, नो केसेज, इम्पोर्टेड, स्पोरेडिक केसेज, तो उसके बारे में तमाम रिपोर्टिंग करनी है आपको कि किस जगह को आपने स्क्रीन किया है, सर्विलेंस किया है, वहाँ केसेस हुए हैं कि नहीं हुए, नहीं है तो नो केसेस। इंपोर्टेड, बाहर से आने वाले, ऐसी जगहों से जहां कोविड फैला हुआ है, COVID-19 फैली हुई है, चाहे मुल्क के अंदर हो वो टेरिटरीज हों या मुल्क से बाहर की वो टेरिटरीज हों, दूसरे मुल्क हों कि जहां COVID-19 की बीमारी फैली हुई है, वहां से आने वालों को लिस्टिंग करना है। स्पोरेडिक केसेस, क्लस्टर्स एंड कम्युनिटी वाइड ट्रांसमिशन, अब क्या होता है कि इसके, जैसे आपने सुना होगा कि चार स्टेज होते हैं, पहला स्टेज होता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो इन्फेक्ट हुआ किसी जगह पे, किसी ऐसी टेरिटरी में, किसी ऐसी कंट्री में था वो कि जहां वो इन्फेक्शन फैला हुआ था और वहां से वो इन्फेक्टेड होके आया। ठीक है, ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज क्या है कि जब वो इन्फेक्ट होके आता है तो प्राइमरीली जिन लोगों के कॉन्टैक्ट में आता है, जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो उसके फैमिली के लोग हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आता है, उनमें से सबको या जिनके कॉन्टैक्ट में वो आता है कुछ को वो इन्फेक्ट करता है, दैट इज सेकेंड स्टेज। फिर ये इन्फेक्टेड लोग, अगर इनका सोशल डिस्टेंसिंग ना किया जाए, इनको अलग ना किया जाए, इनको कंटेनमेंट ना किया जाए, तो फिर ये जिन लोगों के कॉन्टैक्ट के अंदर आते हैं वो एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर उन सोसाइटी के, उस समाज के लोगों को इन्फेक्ट करते हैं जो उनके आसपास होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में होता है। ये अगर स्टेज आने लगती है, दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी ट्रांसमिशन। ये बहुत भयंकर स्टेज है। जब ये इस स्टेज पे बीमारी आ जाती है तो फिर उसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और स्टेज फोर के अंदर इस टाइप से ये महामारी आम तौर से फैलने लगती है और लार्ज नंबर के अंदर डेथ्स होने लगती है, उस स्टेज को स्टेज फोर कहलाते हैं। तो ये तमाम इन सब के बारे में वो केसेस हैं जहाँ स्क्रीनिंग, आप जिस एरिया की, जो एरिया आपको अलॉट किया गया है, जहाँ आपको डिप्यूट किया गया है, उसके बारे के अंदर सारी, उसके बारे में तमाम जानकारी जो है अपने सीनियर ऑफिसर को, अपने सुपरवाइजर को देना कि वहाँ केसेस हैं कि नहीं है, कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, कन्फर्म कितने हैं, सस्पेक्ट्स कितने हैं, इम्पोर्टेड कितने हैं, वो तमाम इस टाइप से वो जानकारी जो है वो
इन ब्लैक एंड वाइट इन मतलब रिकॉर्डेड तरीके से एक बाकायदा लिस्ट बनने के बाद जो है वो आपके सुपरवाइजर तक पहुंचनी चाहिए। पर्सनल सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, ये फिर बार बार बताया जा रहा है कि आप जब तक काम करेंगे जब तक आप खुद सेफ हैं। अगर खुदा ना खास्ते काम करने वाला सेफ नहीं रहा तो वो काम भी डिस्टर्ब होगा और उसके अंदर जो हमारे जो हैजार्ड है उसके अंदर एक और इजाफा हो जाएगा। तो अपने आप को तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो एडॉप्ट करने हैं और अपने आप को हर हालत में सेफ रखना है। सुपरविजन और इफेक्टिव यूजेज कोविड 19 IEC मटेरियल्स, ये जितने मटेरियल्स हैं मतलब ये जो आपके सेफ्टी के काम आते हैं उनको उनकी सप्लाई को सुचारू करना, उन्हें प्रॉपर तरीके से करना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये आपका काम है। हेल्थ आशा CHV इन अर्बन एरियाज एंड ICDCs जो इंटर कम्युनिटी डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, AWW आंगनवाड़ी वर्कर अंडर गाइडेंस ऑफ आशा फैसिलिटेटर एंड CDPO, ये तमाम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के तहत जो है ये काम करेंगे। कम्युनिटी अवेयरनेस थ्रू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपका की जिम्मेदारी। आप जो स्टूडेंट हैं आयुष के, खासतौर से उनसे मेरी ये हिदायत है उनको कि वो इन्हीं लोगों की तरह जिस तरीके से आशा या आंगनवाड़ी है और दूसरे लोग जो सरकारी ग्रुप के लोग हैं वो करते हैं, तो आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन फेस टू फेस जाके लोगों से समाज के अंदर सोसाइटी के अंदर गांव के अंदर देहात में शहर में जिन लोगों जहां भी आपको डिप्यूट किया गया है वहां जाने के बाद आप उनसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपनी प्रिकॉशंस मेंटेन करते हुए प्रिजर्व करते हुए उनको उसके बाद आप उनसे कम्युनिकेशन करें फेस टू फेस बातचीत करें और उन्हें हालात के बारे में समझाएं। एड्रेसिंग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस, वो तमाम गलत धारणाएं जो मिथ्स फैले हुए हैं, जो गलत बातें फैली हुई हैं, जो ख्यालात गलत फैले हुए हैं, उनको आप दूर करें और सही एग्जैक्ट सिचुएशन जो है वो बताएं उनको। वो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं कि हैंड हाइजीन क्या है, रेस्पिरेटरी हाइजीन क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको आप उनकी ज़ुबान के अंदर जिस तरीके से वो समझ सकते हैं उस डायलेक्ट के अंदर उस वे के अंदर उनको समझाएं ताकि आपकी बात को समझ जाए। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि आप कितना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नारे लगाते रहें जब तक आप ये नहीं बताएंगे सामने वाले को कि एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर उसकी समझ में ये बात आ गई कि उसकी अपनी ज़िंदगी जो है, उसकी अपनी सेहत, उसकी अपनी तंदुरुस्ती, उसकी अपनी हेल्थ इस सोशल डिस्टेंसिंग से कितना मुताल्लिक है, तो आपको कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एक बार उसको बता देंगे कि इन्फेक्टेड पर्सन से या इस किस्म के कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनसे या डाउटफुल जो पेशेंट हैं उनसे आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तो वो आपके बाद एक बार समझ जाएगा। आपको समझाने की ज़रूरत है, उसके बाद उसको वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट करने लगेंगे। तो मैं बात कर रहा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोबेबल केसेस, जो इस टाइप के मुतवक्के केसेस हैं कि जिनके अंदर ये शुबा हो सकता है कि पॉजिटिव हो सकते हैं, इनका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, उनको आइडेंटिफाई करना। साइको सोशल केयर, स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन, ये बार बार बात आ रही है कि समाज के अंदर चूंकि समाज को तोड़ता है ये स्टिग्मा जो पैदा हो रहा है कि अगर एक फैमिली जो है वो क्वारंटाइन हो गई है, एक पेशेंट जो है वो कोविड 19 पॉजिटिव हो गया है, तो उसे सोशल फिजिकल डिस्टेंस रखिए, यानी उससे वो जो दूरी जो आपको सेफ रखती है उतनी दूरी बना के रखिए। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सोशली उसको डिस्कार्ड कर दें, सामाजिक बहिष्कार नहीं उसका होना चाहिए। अगर सामाजिक बहिष्कार होगा तो न सिर्फ वो समाज के लिए गलत होगा, न सिर्फ समाज को तोड़ेगा बल्कि उस पेशेंट को भी वो उसके लिए एडवर्स इफेक्ट लाएगा। और इसका एक सबसे बुरा असर ये पड़ेगा कि अगर इस टाइप की फीलिंग्स जो है पैदा होने लगी तो फिर जो पेशेंट जो सस्पेक्ट केसेज हैं, जो कॉन्टेक्ट केसेज हैं, या जो इस टाइप के जिनमें सिम्टम्स डेवलप होंगे या ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस होंगे, वो अपने आप को जाहिर नहीं करेंगे, वो बताने से डरेंगे, वो हेल्प लेने से डरेंगे। और इस तरीके से हिडन तरीके से जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि पूरी सिनेरियो जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, हेल्थ वर्कर्स को, जो लोग काम कर रहे हैं, जो भी वॉरियर्स हैं, हेल्थ वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, वो सबको पूरी पोजीशन क्लियर होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर होनी चाहिए, तो ताकि उसके हिसाब से काम किया जाए। लेकिन अगर हिडन तरीके से वो अंदर ही अंदर नासूर पकता रहेगा तो जाहिर है उसके बहुत बुरे नतीजे होंगे। रिपोर्टिंग एंड फीडबैक अक्रॉस डिफरेंट फेजेज ऑफ कोविड 19 पेंडेमिक, नो वही कि आप अपने सीनियर्स को जो आपका सुपरविजन है कर रहे हैं सुपरवाइजर्स हैं उनको नो केसेज इंपोर्टेड स्पॉटेड क्लस्टर्स एंड कम्युनिटी वाइड ट्रांसमिशन, मैंने बता दिया कम्युनिटी वाइड ट्रांसमिशन, अगर इस टाइप के आप महसूस करते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है तो इमीडिएट आपको रिपोर्ट करना होगा, तभी उसको हम कंटेन कर सकते हैं। पर्सनल सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, ठीक है,
ये अपना अपनी पर्सनल सेफ्टी और प्रिकॉशंस जो हैं वो आप एडॉप्ट करते रहें। नेक्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट कोविड 19। ये कोविड 19 के बारे में आपको मालूम है, लेकिन फिर एक बार याद दिलाने के तौर पे, आप स्टूडेंट हैं आयुष के, आप स्टूडेंट काम करने वाले हैं, आयुष सिस्टम के अंदर काम करने वाले लोग हैं, मेडिकल हों, पैरामेडिक्स हों, कि कोविड 19 इज़ कोरोना वायरस डिजीज 2019। इसको WHO ने बाद में नाम दिया है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन से जो बीमारी फैली है उसको कोविड 19 नाम दिया गया है, एंड दैट इज़ कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। इट इज़ कास्ड बाई ए कोरोना वायरस नेम एज SARS-CoV-2। इस कोरोना वायरस को, चूँकि कोरोना जो है वो बहुत सारे हैं, तो इस पर्टिकुलर कोरोना को जिसके बारे में अब बात हो रही है, जो पूरे वर्ल्ड को जिसने कैप्चर किया हुआ है इस वक्त, उसका नाम है SARS-CoV-2। वाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड 19? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसके आम लक्षण क्या हैं, क्या सिम्टम्स जो हैं वो जाहिर होते हैं, जो आप ये किसी को सस्पेक्ट करते हैं या शुबा करते हैं कि साहब ये कोविड 19 का पेशेंट हो सकता है। द सिम्टम्स ऑफ कोविड 19 आर फीवर, कॉफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ये सबसे स्पेसिफिक इसके फीचर्स हैं, सिम्टम्स हैं कि बुखार होगा, खांसी होगी और सांस लेने के अंदर उसको परेशानी होगी। इफ यू हैव दीज, यू आर ए कॉन्टेक्ट ऑफ लेबोरेटरी कन्फर्म पॉजिटिव केस, मतलब अगर ये सिम्टम्स हैं और आप किसी ऐसे आदमी के कॉन्टेक्ट में आए हैं जो लेबोरेटरीली कोविड 19 पॉजिटिव है, देन इमीडिएटली कॉल द स्टेट हेल्पलाइन नंबर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 24x7 हेल्पलाइन नंबर बता रहा हूँ 011-2397-8046-1075 और योर आशा ANM और यू द आयुष फ्रेंड्स। सेशन 2, प्रिवेंशन सेफ प्रैक्टिसेस इन द कम्युनिटी। अब समाज के अंदर क्या सेफ प्रैक्टिस हो सकती हैं, प्रिवेंशन क्या हो सकता है, ये बताना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनमें सब जो चार टॉपिक हैं, सबसे पहले क्या है कि हैंड हाइजीन, हाथों की हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, टॉपिक वाइज बात करेंगे, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की हाइजीन है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसके बारे में भी बात होती भी रही, आगे बात होगी, एंड हाई रिस्क ग्रुप, कौन सा ग्रुप ऐसा है कि जिसको इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो आइए वन बाय वन बात करते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उससे पहले ये कर लें कि मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ये देखिए आपके सामने ये फिगर है, ये पिक्स है, इनमें आप देख सकते हैं कि ये पर्सन जो है स्नीजिंग और कफिंग एंड डिस्पर्सिंग इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, ये इन्फेक्टेड पर्सन है और ये जब खांस रहा है, छींक रहा है या रनिंग नोज है उसकी, तो वो जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स हैं वो उनको रिलीज कर रहा है। ये इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स हैं जिनके अंदर कोरोना वायरस जो है मौजूद है। ये इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स किसी भी तरीके से, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स गेट ऑन योर हैंड, सबसे ज़्यादा जो होता है वो हाथों के ऊपर, चूँकि सबसे ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर काम जो है ये हाथ ही करते हैं, ये टच करते हैं, ये सिर्फ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स करते हैं, तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो ड्रॉपलेट्स जो है उनका इन्फेक्शन जो है वो आपके हाथों के ऊपर आ जाए। और जब इन हाथों को हम अपनी ही बॉडी से टच करते हैं या किसी दूसरे से टच करते हैं, तो वो उस इन्फेक्शन को, हम उस वायरस को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं उसको जिसको हम टच कर रहे हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के जो रूट ऑफ इन्फेक्शन है वो क्या है, रास्ते क्या हैं, तीन रास्ते आमतौर से हैं कि जिनको सबसे ज़्यादा, इनके मुँह, नाक और आपकी आँखें। जब आप इनको अपने इन्फेक्टेड हाथ से टच करेंगे, अगर आपका हाथ इन्फेक्टेड है और आपने हैंड हाइजीन आपने अडॉप्ट नहीं किया है, आपका इन्फेक्टेड है, आपने साबुन और पानी से हाथ नहीं धोए हैं जैसे बताया जाए, या आपने जो है इस्टलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो फिर ये आपका इन्फेक्शन जो है आपके मुंह के ज़रिए, आपके नाक के ज़रिए, आपकी आँखों के ज़रिए, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएगा। तो इस तरीके से वायरस ट्रांसमिटेड। अब ये जो मैंने बता दिया कि इन्फेक्टेड पर्सन ने छींका, ड्रॉपलेट्स आए, आपके हाथ पे आए, आपने उसको दूसरे आदमी के कॉन्टेक्ट के जरिए पहुंचा दिया, उसके बाद स्नीजिंग, कफ बाय इन्फेक्टेड ग्रुप्स, इन्फेक्टेड पर्सन ड्रॉपलेट्स ही आए, ये हाथ पे आए आपके और ये वायरस ट्रांसमिट हो गया। ये एक सिस्टम होता है इसके ट्रांसमिशन का। अब हैंड हाइजीन क्या है, प्रिवेंशन व्हाट टू डू,
Hand hygiene is a way of cleaning one's hand that substantially reduces potential pathogens, harmful germs on the hands. Hand hygiene procedures include hand washing with soap and water for at least 40 seconds or use of 70% alcohol-based hand rubs. आप समझ गए? यानी हैंड हाइजीन का सबसे अहम तरीका, सबसे कारगर तरीका क्या है कि आप एक प्रॉपर तरीके से, वो प्रॉपर तरीका क्या है उसको मैं बताऊंगा कि 40 सेकंड तक साबुन और हाथ पानी से हाथ धोएं या 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से आप रब करें अपने हाथों को. तो हाथ धोने का एक तो ये है कि एक बस ऐसे किया आपने टेप के नीचे और आप चले आए, नहीं ये तरीका नहीं है. आप प्रॉपरली रब करें. रबिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हाथ धोने का. तो पहले आप ये हाथ धोएंगे, फिर ये आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, ये इसके अंदर इस तरीके से हाथ धोएंगे, फिर ये करेंगे, दूसरा करेंगे, फिर ये इस तरीके से आपस में फिंगर्स की ये धोएंगे, फिर ये आप ये हाथ धोएंगे, ये धोएंगे, फिर ये जो आपके थम्स हैं इनको रब करेंगे आप, फिर ये आपके नेल्स हैं यहाँ इनके इसके अंदर जम्स हो सकते हैं तो इनको आप पाम्स के ऊपर जो है वो रब करेंगे और फिर पूरा ये इस तरीके से आपका ये 40 सेकंड का प्रोसेस है. ये तमाम स्टेप्स करते हुए अच्छी तरीके से हाथों को रब करते हुए हाथ धोइए. अगर सोप वाटर और पानी सोप और पानी अवेलेबल नहीं है तो फिर सैनिटाइज़र जो 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र हो उससे आप हाथ धोइए, हाथों को साफ कीजिए ऐसे ही रब करके. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सैनिटाइज़र रखा हुआ है तो आप इसको हाथों पे लीजिए, सैनिटाइज़र को इसको एडिक्वेट क्वांटिटी के अंदर लीजिए, मलिए और फिर इसी तरीके से ये तमाम जो वो उसके प्रोविजन है उसको अच्छी तरीके से और ये आप मलिए जो तरीके हैं हाथ धोने के उसी तरीके से इस सैनिटाइज़र को रब कीजिए. अब इसमें डूज और डोंट्स क्या हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. डूज क्या है, करना क्या चाहिए. वॉश योर हैंड्स ऑफन विद सोप एंड वाटर फॉर 40 सेकेंड स्पेशली आफ्टर यू हैव बीन इन पब्लिक प्लेस. खास तौर से जब आप घर से बाहर निकलें पब्लिक प्लेस पे जाएं और उसके बाद वापस आएं तो उसके बाद ज़रूर लाजमी तौर पर 40 सेकंड तक हाथ साबुन और पानी से धोइए, या खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद दोनों टाइम धोइए, टॉयलेट यूज़ करने के बाद अपने हाथों को ज़रूर इसी तरीके से धोइए, स्पेशली आफ्टर यू हैव बीन इन पब्लिक प्लेसेस और आफ्टर ब्लोइंग योर नोज. आपने अपनी नाक को छुआ है, नाक को खुजाया है या आपने नाक साफ की है उन हाथों से, उसके बाद कीजिए. कफिंग खांसी है उसके बाद अगर आपने हाथ से रोका है तो हाथों को धोइए, और स्नीजिंग अगर आपने अपने हाथ से छींक रोकी है, हालांकि नहीं रोकनी चाहिए ना, खांसी हाथ से नहीं रोकनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो अपने हाथों को प्रॉपरली धोइए और फ्रीक्वेंटली अपने हाथ धोते रहिए. ये आपकी प्राइम सेफ्टी से जुड़ी बातें हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्ट कीजिए. यूज़ ए हैंड सैनिटाइज़र एटलीस्ट 70% एल्कोहल बेस्ड. ये सैनिटाइज़र जो बाज़ार के अंदर मिल रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र्स हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर वो अल्कोहल बेस्ड नहीं है तो उनकी एफिकेसी के ऊपर कोई गारंटी नहीं है. इफ़ सोप एंड वाटर इज नॉट अवेलेबल कवर ऑल सर्फेसिज ऑफ योर हैंड्स एंड रब देम टूगेदर अनटिल दे फील ड्राई. तो इस सैनिटाइज़र को अपने कवर ऑल सर्फेसिज ऑफ योर हैंड्स, मैंने बताया इधर भी और तमाम इसके अंदर भी, ये सब रब कीजिए तब तक, कब तक, जब तक कि वो खुश्क ना हो जाए. डू नॉट, क्या नहीं करना, टच योर आइज, आपको आंखें टच नहीं करनी. जब आपको ये कन्फर्म ना हो आपके हाथ धुले हुए ना हो तो अपनी आंखों को टच नहीं करना है. माउथ और नोज, मुंह, नाक और आंखें आपको अनधुले हाथों से, अनवाश हाथों से टच नहीं करना है. टच सर्फेसिस लाइक डोर नोब्स. अब चूंकि ये डिफरेंट सर्फेसिस के ऊपर सर्वाइव कर रहा है तो आपके स्विच बोर्ड हैं, डोर नोब्स हैं, जितने भी इस टाइप के लीवर्स हैं कहीं लगे हुए हैं, डोर बेल्स हैं, एलिवेटर बटन्स हैं, हैंड रेल्स हैं, सपोर्ट हैंडल्स हैं, चेयर बैक्स हैं, एटीएम सर्फेसिस हैं, मोबाइल्स हैं, जीप हैंडल वगैरह, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ आदमी कॉमनली कॉन्टेक्ट के अंदर आता है, आपको नहीं मालूम कि आपसे पहले किस आदमी ने उनको टच किया है, वो किस कंडीशन में था, इन्फेक्टेड था, नॉट इन्फेक्टेड था, तो आप इन चीज़ों को टच करने से, इनको कॉन्टेक्ट करने से, इनके कॉन्टेक्ट में आने से बचें. अगर ज़रूरी है तो उसके वो तरीके इख्तियार करें कि जिनसे उनका इन्फेक्शन आपके हाथों तक ना पहुंच सके. आप किसी पेंसिल के ज़रिए, किसी चीज़ के ज़रिए जो है
वो उसको टच कीजिए, उसको खोलिए या सैनिटाइज कीजिए, उसकी जो चीज़ आपके सामने इस टाइप की है, आपके जिसको कर सकते हैं आप, तो उसको सैनिटाइज करके तब उसको टच कीजिए। दूसरा था रेस्पिरेटरी हाइजीन। रेस्पिरेटरी हाइजीन से क्या मतलब, ये तो हैंड हाइजीन हो गया कि हाथ धोइए और कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड सर्फेसिस को कॉन्टैक्ट करने से बचिए, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी हाइजीन क्या है? रेस्पिरेटरी हाइजीन ये है कि इस कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स टेकन टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ जर्म्स थ्रू रेस्पिरेटरी बिहेवियर्स लाइक कफिंग और स्नीजिंग। खांसी और छींक के जरिए जो है, जो इन्फेक्शन, जो जर्म्स फैलते हैं, उनको फैलने से रोकना, दैट इज रेस्पिरेटरी हाइजीन। तो क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं, इसके अंदर क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, ये खास तौर से तमाम स्टूडेंट्स जो हैं और तमाम जितने पैरामेडिक्स और मेडिकल के लोग हैं, ये मेडिकल के लोगों को मालूम है, उनको सिर्फ इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि डू यूज़ ए हैंडकरचीफ और टिश्यू टू कवर योर फेस व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग। इंपॉर्टेंट है कि हम खुले में छींक दें या खुले में खांस दें तो हमने वो अपने जो वायरसेस थे अगर हमारे अंदर हैं तो उनको हमने रिलीज कर दिया क्लाइमेट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो आप इससे बचिए। डू यूज़ ए हैंडकरचीफ, एक रुमाल या एक टिश्यू पेपर जो है उसको आप कवर कीजिए अपने फेस को जब आपको छींक आ रही हो, जब आपको खांसी आ रही हो, और जब आप उसे यूज़ कर लें तो डू थ्रू द यूज टिश्यू इमिडिएटली इन टू ए क्लोज डस्टबिन। खुले डस्टबिन में नहीं, क्लोज डस्टबिन के अंदर जिस चीज़ पे आपके ड्रॉपलेट्स आए हैं, आपका वो मटेरियल जो आपके नाक से या मुंह से निकला है वो आया है, तो उसको इमीडिएटली क्लोज डस्टबिन के अंदर जो है वो थ्रो कर दीजिए। डू कवर योर स्नीज इनटू योर बेंट अपर आर्म। ये भी एक बहुत ख़ास बात है कि आप ये प्रैक्टिस ना कीजिए कि हाथ के ज़रिए अपनी छींको या कफ को, खांसी को रोकी, बल्कि बेंट आर्म की जो ये इनर, यहाँ से ये इस एंगल से आप जो है वो अपने मुंह को ढकिए या नाक को ढकिए। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि ये हाथ आपके कॉमनली जल्दी से टच कर देते हैं, जो आपकी बॉडी का ये पार्ट है जल्दी से दूसरे कॉन्टेक्ट में नहीं आता, तो शायद ये, लेकिन प्रेफरेबली आप यूज़ कीजिए हैंडकरचीफ या टिश्यू पेपर उसको, और उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए इनटू योर बेंट अपर आर्म इन केस यू आर नॉट कैरिंग ए टिश्यू। ये मैंने जो बताया है कि यहाँ से ये आपके जो एल्बो के अंदर से जो है आपको रोकना है, अगर आपके पास रुमाल नहीं है, टिश्यू पेपर नहीं है, तो आप ये तरीका इख्तियार कर सकते हैं। डू वॉश हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर यू हैव कवर्ड योर स्नीज और कफ, और जैसे ही आपने अपने खांसी और उसको छींक को रोका है, हाथों से रोका है, तो फौरन बाद अपने हाथों को धोइए साबुन से और पानी से 40 सेकेंड तक। डू नॉट डोंट्स क्या नहीं करना है, डू नॉट यूज अदर वेज ऑफ कवरिंग योर फेस लाइक द पल्लू ऑफ सारी और द चुन्नी और द गमछा। हमारे आमतौर से क्या होता है कि घर में काम करने वाली औरतें हैं, दुपट्टा है, सारी है, छींक आई तो उसी का कोई हिस्सा पकड़ा हो, उसको हमने अपने मुंह के ऊपर या नाक के ऊपर रख लिया, या गमछा पड़ा हुआ है हमारे, या तौलिया पड़ा हुआ है हमारे कांधे के ऊपर, उसी को हमने इस्तेमाल कर लिया या चुन्नी का इस्तेमाल कर लिया, ये नहीं इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। डू नॉट स्पिट इन द ओपन, खुले में मत थूकिए। ऑलवेज यूज ए स्पिटून और वॉश बेसिन फॉर स्पिटिंग। जो थूकने की जो जगह है, जहां वो रखे हुए स्पिटून रखे हुए हैं या वॉश बेसिन है, वहां आप थूकिए। खुले के अंदर थूकना जो है वो खुले के अंदर वायरसेस फैलाना है, ठीक है। अब आइए केस स्टडी। ये एक आपको एक कहानी जो है कि ये एक केस सुनाया जा रहा है, इसकी स्टडी कीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चन है, उनका आंसर्स देखिएगा। स्मिता हैज गॉन आउट टू बाई वेजिटेबल्स। She has a sore throat and is often coughing without covering her face. You are in the shop when she comes and suddenly she has a fit of cough. Everyone instantly moves away from her and the shopkeeper say angrily, "Don't come into my shop if you are coughing." सुन लिया आपने? एक कैरेक्टर है समिता, वो सब्जी खरीदने के लिए बाजार में गई है, उसको जो है गले के अंदर खराश है, अचानक उसे खांसी आ जाती है। जैसी खांसी आती है तो उसके आसपास के लोग उसके करीब से हट जाते हैं, भाग जाते हैं, और दुकानदार उस पर चिल्लाता है कि मेरी दुकान में मत आइए अगर आपको खांसी हो रही है। ये सीन है। तो इसके अंदर क्वेश्चन है, इफ यू वर देयर एज अ कस्टमर व्हाट वुड यू हैव डन। अगर आप एक ग्राहक के तौर पर उस दुकान में होते तो आप क्या करते। दूसरा क्वेश्चन है, इफ यू वर द शॉपकीपर व्हाट वुड यू हैव डन। अगर आप दुकानदार होते तो आप क्या करते। तीसरा क्वेश्चन है, एज ए हेल्थ वर्कर वट वुड यू डू और वट वुड यू एडवाइज और काउंसिल। आप एक हेल्थ वर्कर के तौर पर क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। तो इसके जवाब ये हैं, इसके अंदर जवाब भी आप स्लाइड के अंदर देख लीजिएगा।
इट इज़ गुड फॉर पीपल टू मूव अवे एंड कीप ए डिस्टेंस, वहाँ से अलग हट जाना और उस संहिता से कुछ डिस्टेंस रखना, ये अच्छी बात थी। हाउएवर एज ए फेलो कस्टमर एनी वन कुड गिव ए पोलाइट एडवाइस टू फॉलो द करेक्ट रेस्पिरेटरी हाइजीन। हाँ, ये होता है कि हम ही उन्हीं जो साथ उसके खड़े हुए ग्राहक हैं उन्हीं में से कोई पोलाइटली नम्रता के साथ संहिता को समझाता कि खांसने का सही तरीका क्या है, कि वो कोई टिश्यू पेपर इस्तेमाल करे या हैंडकरचीफ इस्तेमाल करे या अपनी इनर एल्बो को इस्तेमाल करे। इट इज़ रॉन्ग फॉर द शॉपकीपर टू हैव शाउटेड एट सुमिता, दिस इज स्टिग्मेटाइजिंग बिहेवियर। ये जो चिल्लाना था दुकानदार का, ये बिल्कुल गलत था और स्टिग्मा पैदा करने वाला एक उसका व्यवहार था। दो एवरी वन इज स्केयर्ड, हालांकि हालात ऐसे हैं कि हर एक कोई डरा हुआ है, बींग रूड इज नॉट हेल्पफुल, लेकिन ये अपने रूड बिहेवियर करना या गलत बिहेवियर करना, ये कभी भी इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली। इट विल जस्ट कीप पीपल अवे फ्रॉम रिपोर्टिंग ए प्रॉब्लम इफ दे फील डिस्क्रिमिनाइज अगेंस्ट। अगर ऐसे लोग जो हैं वो ये महसूस करेंगे कि उन्हें डिस्क्रिमिनेशन के साथ हो रहा है, स्टिग्मा पैदा हो रहा है उनके अंदर, तो वो कभी भी अपने केस को रिपोर्ट नहीं करेंगे। The shopkeeper can also keep his shop infection free by wiping the counters with a disinfectant regularly. Shopkeeper क्या करता है कि अपना जो काउंटर है उसको रेगुलरली वो डिसइन्फेक्टेंट करता रहे, सैनिटाइजर करिए जो या डिसइन्फेक्टेंट्स हैं उनके जरिए उसको सरफेस को जो है क्लीन करता रहे। एज ए हेल्थ वर्कर योर जॉब विल बी, आपका जॉब क्या होगा, काउंसिल सीमिता दैट शी मस्ट कवर हर फेस विद अ हैंडकरचीफ व्हेन कफिंग, सजेस्ट हर टू गेट मेडिकेशन एट द PSC। एक हेल्थ वर्कर उसको एडवाइस करेगा कि जब वो खांस रही हैं तो हैंडकरचीफ से या टिश्यू पेपर से या इनर एल्बो से अपने मुंह को ढकें और अपनी खांसी के लिए PSC पे जाएं और वहाँ के डॉक्टर से अपने इलाज कराएं या जो भी हॉस्पिटल है, जो मेडिकल सर्विसेज जहाँ भी हैं वहाँ से अपनी दवाएं लें। काउंसिल द शॉपकीपर दैट एनी वन कैन हैव ए कफ एंड इट नीड नॉट बी कोरोना वायरस इन्फेक्शन, हाउएवर एनी वन कैन हैव द इन्फेक्शन एंड देयरफॉर ही कैन हेल्प by keeping a box of tissue and hand sanitizer on the counter or keep washing station for people to wash their hands। हम उसे दुकानदार समझाएं कि हर खांसी जो है कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं है और हो भी सकता है, तो इस कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए कि अपने काउंटर के ऊपर टिश्यू पेपर रखें, सैनिटाइजर्स रखें जिनका उसके आने वाले ग्राहक इस्तेमाल करते रहें। काउंसिल पीपल ऑन रेस्पिरेटरी हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन के ऊपर लोगों को सही मशवरे देते रहें। प्रिवेंशन सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा उसका फैक्टर था कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिस्कस फैक्टर है। सोशल डिस्टेंसिंग डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द फिजिकल स्पेस बिटवीन पीपल टू अवॉइड स्प्रेडिंग इलनेस, स्टेइंग एटलीस्ट 1 meter अवे फ्रॉम अदर पीपल लेसन्स योर चांसेस ऑफ कैचिंग COVID-19। समझ में आई बात, सोशल डिस्टेंसिंग जानबूझकर फिजिकल स्पेस उन दो आदमियों के बीच में होना जिनमें एक जो है वो इन्फेक्टेड या मतलब ये एक बीमार आदमी है, ताकि बीमारी नहीं फैले, स्टेइंग एटलीस्ट 1 meter अवे फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे आदमी से जिसके बारे में हमें नहीं मालूम कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है, उससे कम से कम 1 meter या 1 meter को हम आम जुबान के अंदर मैंने कहा था कि 2 हाथ की दूरी रखकर चलिए, एक आदमी से दूसरे आदमी 1 meter या 2 हाथ की दूरी रखकर चलें, ताकि आपके COVID-19 के इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम हो जाएं। अब इसके अंदर डूज और डोंट्स क्या हैं? डूज क्या है, स्टे एट होम अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। हर आदमी को ये चाहिए कि जब तक उसे कोई ख़ास ज़रूरत ना हो, कोई इमरजेंसी ना हो, कोई ऐसी परेशानी ना हो जिसके लिए बाहर निकलना पड़े, तो स्टे एट होम, स्टे एट होम और कीप योरसेल्फ सेफ, ये मूल मंत्र है। घर पे रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, ठीक है। तो दूसरा क्या है, कीप ए डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 1 meter बिटवीन योरसेल्फ एंड एन अदर पर्सन, दो आदमियों के बीच में इतनी दूरी। हम कहीं भी अपनी फैमिली के अंदर हैं, अपने यानी जहां हम काम कर रहे हैं वहां उस प्लेस के ऊपर हैं, मार्केट में हैं, शॉपिंग के लिए गए हैं, तो एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच के अंदर जो है 1 meter की या 2 हाथ की दूरी रखकर चलिए। चूँकि यह 2 हाथ की दूरी, 1 meter की दूरी इसलिए रखी जाती है कि ये माना जा रहा है अभी तक के जो ड्रॉपलेट, जो एरोसोल्स हैं, वो 1 meter से ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते, 1 meter के अंदर अंदर वो अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं, ये वेपराइज हो जाते हैं। डोंट्स क्या हैं, क्या नहीं करना है, डू नॉट होल्ड इवेंट्स व्हेन वेयर पीपल हैव टू गैदर, ऐसे इवेंट्स मत कीजिए, ऐसे समारोह मत कीजिए कि जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। इवन इफ इट इज़ ए कॉर्नर मीटिंग विथ 3 or 4 friends, ये भी अवांछनीय है
कि किसी जगह पे गली मोहल्ले के नुक्कड़ पे किसी जगह 3 या 4 आदमी इकट्ठे हो जाएं या चौपाल के अंदर कुछ आदमी इकट्ठे हो जाएं और आपसी बातचीत करने लगें, ये भी ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में, ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। डू नॉट गो टू क्राउडेड प्लेसेस लाइक मार्केट, शॉपिंग मील्स, मेलास और पार्टीज, यानी ऐसी जगहों पर जहाँ भीड़ भाड़ होने वाली है, चाहे मार्केट है, शॉपिंग मॉल्स हैं, मेले लग रहे हैं, अब तो मेले लगेंगे नहीं है इसमें लॉकडाउन हुआ हुआ, लेकिन अगर लग रहे हैं या पार्टीज हो रही हैं किसी किस्म के, तो उनमें पार्टिसिपेट मत कीजिए। डू नॉट यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बंद है तो मजबूरी है, लेकिन अगर आपके पास चॉइस होती तो आपको पब्लिक, ऐसे में, ऐसे वातावरण में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वहाँ भी गैदरिंग होती है, क्लस्टर होता है, भीड़ होती है और पता नहीं किस आदमी को इन्फेक्शन है, किसको नहीं इन्फेक्शन है और किसके कॉन्टैक्ट में आने से आप बीमार हो जाएंगे, किस में नहीं हो जाएंगे, तो ये आपको पता नहीं होता है। प्रिवेंशन का चौथा पिलर था हाई रिस्क ग्रुप, यानी वो हाई रिस्क ग्रुप आर द पीपल हु आर एट हाई रिस्क फ्रॉम सीवियर इलनेस दे गेट कोविड 19। दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है, ओल्डर एडल्ट्स, जो बूढ़े लोग हैं, मैंने आपको बताया था कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के अंदर जो है वो परसेंटेज ऑफ वो केस फेटलिटी रेट जो है वो 16-18% के आसपास कहीं था, तो ओल्डर पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी, चूँकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, कमज़ोर होती है, तो वो ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन कैच करते हैं। पीपल हु हैव अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस, कोमॉर्बिड, जो ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं, ऐसी बीमारियां उनको हुई हैं जैसे हार्ट डिजीज है, डायबिटीज़ है, लंग डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, कैंसर है, वो या इनकी दवाई ले रहे हैं, मतलब वो इन बीमारियों से ग्रसित हैं, इन बीमारियों की ग्रिप्स में और इनकी दवाई ले रहे हैं, तो ये पेशेंट कोमॉर्बिड कहलाते हैं। इनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा जल्दी होते हैं और अगर खुदा ना खास्ता इनको इन्फेक्शन हो जाए तो चूँकि ऑलरेडी ये एक बहुत सीवियर डिजीज़ के अंदर जो हैं वो हैं, तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। प्रेग्नेंट वूमेन, एज वी डू नॉट नो द इम्पैक्ट ऑफ द डिजीज ऑन प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंट वूमेन के ऊपर चूँकि इसलिए इनको एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी रिसर्चेस चल रही हैं, ये वायरस अभी हमारे लिए नया है, हम इसकी पूरे बारे में पूरी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, तो हमें नहीं मालूम है कि एक प्रेग्नेंट वूमेन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या नहीं आएगा उसी प्रेगनेंसी के ऊपर, तो प्रेगनेंट वूमेन भी जो हैं वो अपने आप को अलग थलग रखें और इससे महफूज रखें। ये सेशन 2 था। अब सेशन 3, कम्युनिटी सर्विलेंस, आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है और जो आपको करना है तो वो आपका है कम्युनिटी सर्विलेंस। कम्युनिटी के अंदर समाज में जाने के बाद जहाँ आप देहात में हैं, अर्बन में हैं, शहरी इलाके में हैं, और आपको जो काम डिप्यूट किया गया है उसके अंदर आपको वो खोजबीन करनी है, तो उसमें क्या है, नंबर 1 टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिटी सर्विलेंस SOP, एडवाइजरी और कम्युनिकेशन। ठीक है, जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके कितने कितने प्रकार हैं, कम्युनिटी सर्विलेंस की SOP क्या है, क्या आपके मशवरे होंगे और क्या किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा। डेफिनेशन, अब सस्पेक्ट की बात होती आ रही है या प्रोबेबल इन्फेक्शन पर्सन, तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि किसको हम सस्पेक्ट कहेंगे या किसको प्रोबेबल इन्फेक्टेड पर्सन कहेंगे, तो ए पर्सन विद एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, जो आदमी एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, श्वास तंत्र या निज़ाम तनफ्फुस की शदीद बीमारी जिसको लाहक है, फीवर एंड एटलीस्ट 1 साइन, बुखार और कम से कम 1 साइन सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, फॉर एग्जाम्पल कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये हो उसको कि वो सीवियर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसको, उसके साथ बुखार है उसको, एक कम से कम उसके अंदर से या तो खांसी है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, और ए हिस्ट्री ऑफ ट्रेवल टू और रेजिडेंस इन ए कंट्री एरिया और टेरिटरी रिपोर्टिंग लोकल ट्रांसमिशन ऑफ कोविड 19 डिजीज ड्यूरिंग द 14 डेज प्रायर टू सिम्टम्स ऑनसेट, ऐसी जगह हो गया हो या रहा हो जहां कोविड 19 जो है वो पिछले 14 दिन के अंदर ऐसी जगह रहा हो जहां वो फैला हुआ है, ऐसे इलाके में, ऐसे मुल्क के अंदर वो रहा हो या गया होके आया हो और उसके साथ उसको बुखार हो और खांसी हो, तो वो सस्पेक्ट और प्रोबेबल इन्फेक्टेड पर्सन कहलाएगा। और ए पर्सन विद एनी एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस एंड हैविंग बीइंग इन कॉन्टेक्ट विद ए कन्फर्म कोविड 19 केस इन द लास्ट 14 डेज प्रायर टू ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स जाहिर होने से पिछले 14 दिन के अंदर एक आदमी किसी ऐसे आदमी के कॉन्टेक्ट में रहा हो जो कोविड 19 का कन्फर्म केस हो और उसके बाद उसको ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और सीवियर इन्फेक्शन और फीवर और कफ वगैरह ये सिम्टम्स जाहिर हुए हैं, तो वो सस्पेक्ट कहलाएगा।
A person with severe acute respiratory tract infection, fever, and at least one sign symptoms of respiratory tract, for example, cough, shortness of breath, and requiring hospitalization, and with no other etiology, that fully explains the clinical presentation. समझ लीजिए इसको कि आपको a person with severe acute respiratory tract infection है, बुखार है और कम से कम खांसी है या shortness of breath है और इतनी सीवियरिटी है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है और उसके साथ साथ उसकी कोई प्रॉपर एटियोलॉजी जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो रही है, नहीं मालूम हो रहा है किस वजह से हो रहा है, तो फिर इसके अंदर हम उसे मानेंगे कि ही इज और शी इज सस्पेक्ट पर्सन और प्रोबेबल इन्फेक्टेड पर्सन. और ए केस फॉर होम टेस्टिंग फॉर कोविड 19 इज इनकंक्लूसिव. अभी जिसका रिजल्ट नहीं आया, अभी कोई कंक्लूजन निकला, ऐसे केस को कोविड 19 का लेबोरेटरी टेस्ट के लिए गया हुआ है उसको भी हम सस्पेक्ट मानेंगे. ये तो सस्पेक्ट पर्सन हो गया. अब हु इज ए कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट कौन है? ए कॉन्टैक्ट इज ए पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से कुछ भी है तो कॉन्टैक्ट है. क्या? प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर विदाउट प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPEs फॉर कोविड 19 पेशेंट्स. हॉस्पिटल में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्सिस हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, वो प्रॉपर PPEs के बगैर किसी ऐसे पेशेंट को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं बगैर PPEs के जो कोविड 19 का कन्फर्म पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट को हम कॉन्टैक्ट उसे हम कॉन्टैक्ट पेशेंट कहेंगे. Staying in the same close environment of a COVID-19 patient, including workplace, classroom, household gatherings. किसी ऐसे आदमी के साथ घर में, workplace के ऊपर, classroom के अंदर या किन भीड़ के अंदर रहा हो जो COVID-19 patient, confirmed COVID-19 patient है, उसके अंदर उसके साथ रहा हो, तो ऐसे patient को हम contact patient कहेंगे. Traveling together in close proximity less than 1 meter with a symptomatic person who later tested positive for COVID-19. ऐसे आदमी के साथ उसने सफर किया हो और उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर, यानी 1 meter से, जैसे बिल्कुल एक बराबर की बर्थ के ऊपर बैठा हुआ, ट्रेवलिंग करते हुए उसके बराबर में बैठा, सीट पर बराबर में बैठा हुआ, 1 meter की दूरी नहीं है, और जो बाद में जिसको टेस्ट करने के बाद COVID-19 पॉजिटिव पाया गया है उसके साथ अगर सफर में रहा है, तो वो आदमी कॉन्टैक्ट के ग्रुप के अंदर आएगा. टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स. अब ये कॉन्टैक्ट्स हैं, कितने टाइप्स को देखते हैं. हाई रिस्क का मतलब टेस्ट बॉडी फ्लूइड्स ऑफ द पेशेंट, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सीक्रेशंस, ब्लड, वॉमिट, सलाइवा, यूरिन, फीसिस, ये तमाम टच किए हों, जो बॉडी फ्लूइड है पेशेंट के वो उन्होंने टच किया हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सीक्रेशंस के उसने खांसी का उसका बलगम है या नाक का जो सिक्रेशन है या उसका ब्लड है या उसकी वोमिट है या सलाइवा है, यूरिन है या उसका स्टूल है, इनको टच किया है उसने, वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट कहलाएगा. हैड डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द बॉडी ऑफ द पेशेंट, शुक हैंड्स, हग और टुक केयर ऑफ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहा है, हाथ मिलाया, गले मिला या उसका करीब से बहुत केयर किया, ऐसे पेशेंट की जो कोविड इन्फेक्शन था इसको था, तो वो भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट में आएगा. टच्ड और क्लीन द लिनन क्लोथ्स और डिशेज ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट है उसकी बिस्तर की चादर, उसके कपड़े, उसके बर्तन, उनको जो है उसने साफ किया हो, उन्हें टच किया हो, तो वो भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स के अंदर आएगा. लिव्ड इन द सेम हाउस होल्ड एज द पेशेंट, एक घर के अंदर कोविड 19 कन्फर्म पेशेंट है, उसी के अंदर वो दूसरे लोग रह रहे हैं, तो वो भी कॉन्टैक्ट्स केसेस कहलाएंगे. लिव्ड इन, अच्छा ये हो गया, एनी वन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी लेस देन 1 meter ऑफ द कन्फर्म केस विदाउट प्रिकॉशन, बगैर प्रिकॉशंस के, बगैर मतलब ये कि तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हुए, ऐसे आदमी के करीब रहा हो, 1 meter से कम कुर्बत उसकी रही हो, करीब रहा हो, जो कन्फर्म कोविड 19 पेशेंट है. पैसेंजर ट्रेवलिंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी लेस देन 1 meter फॉर मोर देन 6 hours विद ए सिम्टोमेटिक पर्सन हु लेटर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड 19. सफर करने में 6 घंटे कम से कम उसके साथ सफर किया हो ऐसे आदमी के साथ, और इतने करीब रहा हो जो 1 meter से कम है, जो आदमी बाद में कोविड टेस्ट के अंदर उसके अंदर पॉजिटिव पाया गया हो, कंफर्म कोविड 19 पेशेंट हो, उसके साथ उसने कम से कम 6 घंटे सफर किया हो और 1 meter से करीब रहा हो उसके, तो वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स के अंदर आएगा. लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स में कौन लोग आएंगे? शेयर द सेम स्पेस, सेम क्लास फॉर स्कूल, वर्क इन सेम रूम, सिमिलर एंड नॉट हैविंग ए हाई रिस्क एक्सपोजर टू द कन्फर्म और सस्पेक्ट केसेज ऑफ कोविड 19. ऐसी जगह पर रहा हो
के वो क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंदर 20-30 बच्चे थे, उसके अंदर कोई एक बाद में या कोई एक स्टूडेंट जो है वो पॉजिटिव निकल आया उसके अंदर रहा हो, या सिमिलर एटमोस उसके अंदर घर के अंदर रहा हो, सेम रूम सिमिलर एंड नॉट हैविंग ए हाई रिस्क एक्सपोजर, एकदम डायरेक्ट टच ना किया हो, दूर रहा हो, तो वो लो रिस्क कॉन्टेक्ट्स कहलाएंगे। ट्रेवल इन सेम एनवायरनमेंट, बस ट्रेन फ्लाइट एनी मोड ऑफ ट्रांजिट बट नॉट हैविंग ए हाई रिस्क एक्सपोजर, यानी बहुत उसके करीब ना गया हो, चाहे वो फ्लाइट में रहा हो, चाहे ट्रेन में रहा हो, चाहे बस में रहा हो, या किसी भी तरीके से उसने सफ़र किया हो। उसमें कोविड 19 पेशेंट था, एक बस के अंदर कोविड 19 पेशेंट जो है वो अगली किसी रो के अंदर बैठा हुआ था, एक पैसेंजर जो पिछली रो के अंदर बैठा हुआ है बिल्कुल पीछे, वो लो रिस्क कॉन्टेक्स्ट के अंदर आएगा। कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस, सर्विलेंस डन बाई विजिटिंग द लोकल रेजिडेंस ऑफ द कॉन्टेक्ट्स बाई हेल्थ पर्सनल, टेलीफोन मे बी यूज इन सर्टेन सर्कमस्टांसिस और फॉर फॉलोअप। क्या है सर्विलेंस? सर्विलेंस डन बाई विजिटिंग द जो लोकल रेजिडेंस हैं, कॉन्टेक्ट्स जहाँ हैं, उनका हेल्थ पर्सनल को विजिट करना, पर्सनली विजिट करना, फिजिकली विजिट करना, या टेलीफोन के जरिए, या जैसे भी सर्कमस्टांसिस हों, और फिर उसका फॉलोअप करना, यानी बराबर उसको करते रहना, ये आपका सर्विलेंस के अंदर शुमार होता है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एक्सप्लेन पर्पज ऑफ सर्विलेंस, कलेक्ट डाटा इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जब आप सर्विलेंस करने जाएं, तो ऑल ऑफ सडन एकदम उसके ऊपर जो है ऑफेंसिव ना हो जाइए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए सही तरीके से और पोलाइट वे के अंदर, और ऐसे अंदाज के अंदर जो उसकी आसानी से समझ में आ जाए उसके वे के अंदर उसको समझाइए कि आपके आने का मकसद क्या है। डाटा कलेक्ट कीजिए जो आपको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट मिलता है उसके लिए, उसके ऊपर डाटा बाकायदा कलेक्ट कीजिए और उसको अपने ऑफिसर्स को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। कॉन्टेक्ट ऑफ कंफर्म केसेस टेस्ट एंड मॉनिटर्ड फॉर एटलीस्ट 28 डेज आफ्टर द लास्ट एक्सपोजर टू द केस पेशेंट फॉर एविडेंस ऑफ कोविड 19 सिम्टम्स एज पर केस डेफिनेशन। यानी कॉन्टेक्ट ऑफ कंफर्म केसेस, कंफर्म केसेस के जो कॉन्टेक्ट हैं उनको 28 दिन तक सर्विलेंस के ऊपर रखना है, उनसे मिलते जुलते रहना है, उनकी कंडीशंस को देखते रहना है, उसके अंदर कोई अगर अल्टरेशन होता है, कोई चेंजेस आती हैं, एसिम्टोमेटिक से सिम्टोमेटिक होता है, तो उसके बारे में अपने ऑफिसर्स को, अपने जो आपके हायर ऑफिसर्स हैं उनको आपको इंटीमेट करना। इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉन्टेक्ट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, अब जो आप उसके बारे में सूचनाएँ ले रहे हैं, जो जानकारी लेना चाहते हैं, वो आप पेशेंट से बराह रास्त ले सकते हैं, पेशेंट से बातचीत कर सकते हैं, और हिज हर फैमिली मेम्बर्स, उसके परिवार वालों, उसके घर वालों से बातचीत कर सकते हैं। पर्संस एट पेशेंट्स वर्क प्लेस और स्कूल, एसोसिएट्स और अदर्स विद नॉलेज, यानी उसके साथी हों, उसके साथ पढ़ने वाले हों, उसके साथ काम करने वाले हों, या उसको किसी तरीके से जानते हों, उनसे आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अबाउट द पेशेंट रिसेंट एक्टिविटीज़ एंड ट्रेवल्स, उनके बारे में क्या मिल जाएगी, उसके हमारी रिसेंट पिछले 14 दिन की एक्टिविटीज़ क्या हैं, पिछले 14 दिन के अंदर उसने कहीं यात्रा की है, कहीं सफ़र किया है, कहीं ट्रेवलिंग की है। ARI सर्विलेंस इन द कंटेनमेंट जोन, ये जो पूरा एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है कि नहीं है, जो सर्विलेंस जोन है उसके अंदर ये आप सब मालूमात हासिल करें। एडवाइजरी फॉर कॉन्टेक्ट्स, अब जो कॉन्टेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको बताया गया उनके बारे में क्या एडवाइजरी है, वो दो तरीके के हैं। एसिम्प्टोमेटिक, जिनके अंदर सिम्टम्स जो हैं वो जाहिर नहीं हुए, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे, होम क्वारंटाइन फॉर एटलीस्ट 28 डेज आफ्टर द लास्ट एक्सपोजर विद द केस। जब आपको ये मालूम हो गया कि मिस्टर एक्स जो है वो एक कन्फर्म केस से मिले थे, फला तारीख को, पहली तारीख को मिले थे, तो उन्हें आप एडवाइस कीजिए कि अब 28 दिन जो है वो आप होम क्वारंटीन के अंदर रहिए, घर के अंदर रहिए, अलग थलग रहिए। इनिशिएट सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीवर कफ एंड मेंटेन ए लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन डेली बेसिस। उन्हें सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग के बारे में बताइए, बुखार किस तरीके से लिया जाता है, खांसी के वगैरह में, इसके उसके, और पूरा एक वो एक उसको जो है एक रिटिन डाटा उसका जो है वो मेंटेन कीजिए डेली बेसिस के ऊपर। एक्टिव मॉनिटरिंग फॉर एग्जांपल डेली विजिट्स और टेलीफोन कॉल्स, अगर आप जा सकते हैं तो जाइए, नहीं तो टेलीफोन कॉल से 28 दिन तक, ये नहीं कि आपने एक बार उसको, आपने उसकी सूचना ले ली, उसके बाद उसके हाल पे छोड़ दिया, नहीं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक वो उस पीरियड से नहीं गुजर जाता जो उसका डेंजर पीरियड है, तो 28 दिन का है, तो तब तक आप उसको वक्तन फवक्तन टाइम टू टाइम उसके कॉन्टेक्ट में रहिए, वो ANM हो, आशा हो, और या मतलब ये किसी भी जरिए से जो है ना वो, या आयुष के स्टूडेंट्स हो, वो इसको करते रहें। डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टेक्ट ऑफ ए कंफर्म केस शुड बी टेस्टेड वंस बिटवीन डे 5 एंड डे 14 ऑफ कमिंग इन हिज और हर कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट एंड हाई रिस्क कॉन्टेक्ट, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और हाई रिस्क कॉन्टेक्ट हैं, वो 5वें दिन और 14वें दिन, ये इसके बीच के अंदर टेस्ट किए जाने चाहिए,
लेबोरेटरी टेस्ट के लिए जाना चाहिए। इफ़ सिम्टोमेटिक, अगर सिम्टम्स उसके अंदर निकले हुए हैं, फीवर है, कफ है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है, तो यूज़ मास्क, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। सेल्फ आइसोलेट, उससे कहिए बिल्कुल अलग थलग एंड इमीडिएटली इन्फॉर्म ANM और फौरन AM आशा या द आइडेंटिफाइड लोकल हेल्थ ऑफिशियल बाई टेलीफोन, जो भी लोकल हेल्थ ऑफिशियल है उसको टेलीफोन के जरिए बताइए कि फ़लाँ जगह फ़लाँ घर के अंदर फ़लाँ नाम का आदमी इस तरीके से उसको जो है सिम्टोमेटिक हो गया है, तो वो वहाँ से फर्दर उसके अरेंजमेंट जो है वो किया जाएगा। केस सिनेरियो, सुनील इज़ ए यंग मैन ऑफ 30 ईयर्स, ही वर्क्स इन मुंबई एज ए टीचर इन ए स्मॉल स्कूल एंड हैज़ रिटर्न बैक होम फॉर होली। सुनील हैज़ बीन कन्फर्म्ड विद COVID-19 एंड नाउ हिज फैमिली इज़ वरीड। एक कहानी है कि एक 30 साल का सुनील नाम का एक वर्कर है जो एक टीचर है मुंबई के अंदर, और वहाँ से होली की छुट्टियों में घर आया, वो COVID-19 का कन्फर्म केस है एंड नाउ हिज फैमिली और उसके अब उसका परिवार जो है उस चिंता में डूबा हुआ है। क्वेश्चंस, व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे, आंसर्स, इसके जवाब क्या हो सकते हैं। एनश्योर दैट ऑल मेंबर्स इन द फैमिली हैव बीन गिवन द एडवाइस टू फॉलो, समझे, उन्हें बताइए कि आपको मशवरे दिए जाएंगे, आप इन्हें फॉलो कीजिए, फॉलो अप इफ़ एनी हेल्प नीडेड, अगर उन्हें कोई ज़रूरत है तो उसको पूरा कीजिए। ऑर्गेनाइज फॉर द फैमिलीज टू हैव सपोर्ट व्हेन दे आर ऑन क्वारंटाइन फॉर गेटिंग देयर डेली सप्लाईज लाइक ग्रॉसरीज एंड वेजिटेबल्स। अब आप ये तो कह सकते हैं भाई होम क्वारंटाइन कर लीजिए, अब आपने पूरे घर को क्वारंटाइन कर दिया तो उनकी नेसेसिटीज़ कौन पूरा करेगा, तो इसका इंतजाम कीजिए उनकी ग्रॉसरी, उनके जो खाने पीने का सामान, उनके वेजिटेबल्स, वो उन तक उनको प्रॉपर सप्लाई, स्मूथ सप्लाई होती रहे। चेक ऑन हैंड हाइजीन एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन अंडरस्टैंडिंग, हमने उन्हें बताइए हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन, और उनको एक लिस्ट बना दीजिए, उसे चेक कीजिए कि ये बराबर होते रहे, उसके ऊपर टिक करते रहे बाकायदा। चेक इफ ऑल क्लोथ्स एंड हाउस होल्ड मटीरियल्स यूज बाय कन्फर्म्ड फैमिली मेंबर हैव बीन डिसइंफेक्टेड, ये भी चेक कीजिए कि जो क्लोथ्स हैं या जो चीज़ें उनके इस्तेमाल के अंदर हैं, फैमिली मेंबर के इस्तेमाल के अंदर हैं, वो बराबर और प्रॉपरली डिसइंफेक्ट की जा रही हैं, कपड़े ब्लीच के अंदर डिसइंफेक्ट किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, जो यूटेंसिल्स हैं वो ब्लीच के अंदर जो है वो या जो और दूसरे तरीके डिसइंफेक्टेंट्स के हैं उनके तरीके से डिसइंफेक्ट किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। टॉक टू द फैमिली ऑफन इफ ओनली ऑन द मोबाइल एंड एनकरेज अदर फ्रेंड्स ऑफ द फैमिली टू टॉक ऑन द फोन, दिस इज टू हेल्प देम मैनेज द फीलिंग ऑफ बीइंग आइसोलेटेड। अब ये नहीं है कि पेशेंट को क्वारंटाइन में या आइसोलेशन के अंदर रख दिया है आपने, तो आप उससे खुद भी आप नहीं मिल सकते, तो आप टेलीफोन पर बात कीजिए और दूसरे लोगों को भी इस बात के लिए प्रोत्साहित कीजिए कि वो उससे टाइम टू टाइम कॉन्टेक्ट में रहें, उनसे बातचीत करते रहें, उसका एक मॉरल बूस्ट करते रहें, और ताकि वो ये समझे कि मैं समाज से कटा हुआ नहीं हूं, और उसकी हिम्मत बढ़ाते रहें। नाउ सेशन 4, सपोर्टिव पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कम्युनिटी हाउस होल्ड्स, क्रिएट सपोर्टिव एनवायरमेंट, होम क्वारंटाइन सेल्फ, होम क्वारंटाइन फैमिली मेंबर्स एंड होम केयर, ये चार इसके टॉपिक हैं। इसमें आते हैं सबसे पहले कि रेस्पॉन्स एंड कंटेनमेंट, क्रिएट ए सपोर्टिव एनवायरमेंट, जिम्मेदारी और रोकथाम जो है, क्रिएट ए सपोर्टिव एनवायरमेंट, ये एक सपोर्टिव एनवायरमेंट बनाते हैं। टॉक टू एंड इन्वॉल्व इन्फ्लुएंसर्स, फाइट टू डिस्क्रिमिनेशन, अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो लोग जिम्मेदार हैं उन लोगों से बात कीजिए जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह है, जो स्टिग्मा है उसको फैलने से रोकने के लिए उनसे बात कीजिए। मेक ए लिस्ट ऑफ लोकल इन्फ्लुएंसर्स, अब जब आप जा रहे हैं किसी इलाके के अंदर तो वहाँ के जो जिम्मेदार प्रभावी लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, उसके अंदर ग्राम प्रधान हो सकते हैं, रिलीजियस लीडर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, वो जो भी और जिम्मेदार और ऐसे प्रभावी लोग हैं कि जिनका आप ये समझते हैं कि समाज पर इनका प्रभाव है, तो उनकी एक लिस्ट बनाइए। एक्सप्लेन एंड डिस्कस द सिचुएशन, उनसे उस जो स्थिति है उसके बारे में बातचीत कीजिए, प्रोटोकॉल्स, उसके प्रोटोकॉल्स क्या होंगे उनके बारे में बताइए, ऑर्डर्स क्या हैं गवर्नमेंट के, नोटिफिकेशंस क्या हैं, वो किस तरीके से फॉलो करने, उन सब के बारे में बात कीजिए और की मैसेज दीजिए, ठीक है। सपोर्ट असाइनिंग रोल्स फॉर कम्युनिटी नेटवर्क्स, जो रोल जिसको दिया गया है उसके रोल में उसकी सहायता कीजिए। प्लान कम्युनिटी सपोर्ट फॉर हाई रिस्क, जो हाई रिस्क पे हैं उनके लिए कम्युनिटी सपोर्ट किस तरीके से प्लान करेंगे। मेक ए लिस्ट ऑफ हाई रिस्क ग्रुप इन द विलेज, उसकी लिस्ट बनाइए कि विलेज गांव के अंदर हाई रिस्क ग्रुप जो है वो कौन सा है। आइडेंटिफाइड पीपल दे मीट और टॉक टू, आप ऐसे लोगों की शनाख्त कीजिए जिनसे आपको मिलना है या बातचीत करनी है। शेयर प्रिवेंटिव मेजर्स विद दीज पीपल एंड रिक्वेस्ट देम टू कीप कम्युनिकेटिंग दीज मेजर्स टू द हाई रिस्क पीपल, और प्रिवेंटिव मेजर्स उनको बताइए और उनसे ये रिक्वेस्ट कीजिए कि जो इस हाई रिस्क ग्रुप है
जिन लोगों को है उनको वो प्रिवेंटिव मेजर्स किस तरीके से इख्तियार करने, इसमें वो आपकी सहायता करें, उनको बताएं जो समाज के इस किस्म के जिम्मेदार लोग हैं। टेक केयर ऑफ ओल्डर पीपल और पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, लंग और किडनी डिजीज, जो बड़े वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, जो ओल्डर एज के हैं या कोमॉर्बिड हैं, इनके अंदर कुछ इस टाइप की बीमारियाँ, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, किडनी डिजीज है एक्सेट्रा, तो उन लोगों के खास तौर से ध्यान कीजिए उनका। टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स मे बी इन क्वारंटाइन फॉर इशूज ऑफ एजुकेशन एंड अदर एंड केयर, तो आप ऐसे बच्चों से बात कीजिए जिनके माता पिता क्वारंटाइन के अंदर हैं। अब जाहिर है कि उनके माता पिता अगर क्वारंटाइन हैं में हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, एजुकेशन की प्रॉब्लम होंगी, फूड रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, तो उन तमाम चीज़ों को सॉल्व करना, उनको प्रॉपर वे के अंदर सुलझाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोऑर्डिनेट विद द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी नेटवर्क्स फॉर सपोर्ट, जो कम्युनिटी नेटवर्क है उसके साथ जो वहाँ चल रहा है, जो भी कम्युनिटी नेटवर्क है कम्युनिटी के अंदर मौजूद है उसके साथ कोऑर्डिनेट कीजिए। कोऑर्डिनेट विद द एग्जिस्टिंग ग्रुप्स लाइक एस एच यूथ नेटवर्क्स, VHSNC जो विलेज हेल्थ सैनिटरी एंड न्यूट्रिशनल कम्युनिटी का ग्रुप होता है वो, या इस टाइप के कोई NGOs बने हुए हैं वहाँ कम्युनिटी के अंदर बने हुए हैं, और रोल्स असाइन फॉर एमरजेंसी के, उन्हें बताइए एमरजेंसी कंडीशन में क्या होगा, प्लानिंग उसकी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, फूड की कहीं कमी है कुछ ग्रुप्स के अंदर या कुछ खितों के अंदर तो फूड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो बताइए। ये ग्रोसरी डिलीवरी फॉर क्वारंटाइन हाउस होल्ड, जो क्वारंटाइन के अंदर है, होम क्वारंटाइन के अंदर है, वो बाहर शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते, तो उनको किस तरीके से ग्रोसरी या वेजिटेबल्स जो है वो या जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहुँचानी है, मिड डे मील्स जो है जो बच्चों को दिया जा रहा है वो कैसे उनके घरों तक पहुँचाना, स्कूल्स बंद हैं आजकल, तो इन सब चीज़ों से उन NGOs से जो वहाँ वर्क कर रहे हैं उस कम्युनिटी के अंदर उनसे बातचीत कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। शेयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ ANM, आशा, एम्बुलेंस एंड अदर मेडिकल सपोर्ट विद देम, जो इस टाइप के NGOs हैं, सोसाइटीज़ हैं जो वहाँ विलेज के अंदर काम कर रही हैं, उनको बताइए आपका नंबर क्या है, आप आशा का नंबर क्या है, ANM का नंबर क्या है, या मोबाइल का एम्बुलेंस का नंबर क्या है, या अदर मेडिकल सपोर्ट फैसिलिटीज़ जहाँ अवेलेबल हैं उन ऑफिशियल्स का नंबर क्या है, वो उनसे शेयर कीजिए ताकि वक्त ज़रूरत वो उसका इस्तेमाल कर सकें। शेयर कोऑर्डिनेटिंग डिटेल्स ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज़ फॉर एड्रेसिंग इशूज़ ऑफ ट्रामा एंड वायलेंस इन चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन प्रोटेक्शन कमिटीज़ हैं होती हैं गाँव के अंदर ऐसे जो बच्चों की देखभाल करने के लिए होती हैं, या आपके कोई ऐसी कमेटी बनाई हुई है तो उसको बच्चों के बारे में खास तौर से बताइए कि बच्चों के अंदर कोई वायलेंस, कोई ट्रॉमा हो जाए तो उसके अंदर क्या करना है। हेल्प डेवलप हाउस होल्ड एमरजेंसी कॉन्टेक्ट लिस्ट, एंश्योर ईच हाउस होल्ड हैज़ ए करेंट लिस्ट ऑफ एमरजेंसी कॉन्टेक्ट फॉर फैमिली, आप ये यकीन कर लीजिए, पक्का पुख्ता कर लीजिए कि हर घर के अंदर जो है वो एक ऐसी इमरजेंसी लिस्ट है कि उस इमरजेंसी के अंदर किसे कांटेक्ट करना है, फ्रेंड उसके कौन कौन हैं, नेबर्स कौन कौन से हैं, एसेंशियल सर्विसेज कांटेक्ट क्या हैं, और नंबर ऑफ लाइक फूड, मेडिसिन, मेडिकल हेल्प, इनके नंबर जो हैं वो आप प्रोवाइड कीजिए। केस स्टडी, बाबूलाल हैज़ बीन रेंटिंग आउट हिज ट्रैक्टर फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स एंड मेनी पीपल नो हिम इन द कम्युनिटी, बाबूलाल पिछले बहुत दिनों से अपना ट्रैक्टर जो है किराए पे देता था, समाज के लोग उसे जानते थे। रिसेंटली पीपल हैव स्टॉप टेकिंग बाबूलाल ट्रैक्टर ऑन रेंट, अभी हाल ही के अंदर लोगों ने उसके ट्रैक्टर को किराए पे लेना बंद कर दिया है। एंड यू कम टू नो दैट दिस इज बिकॉज बाबूलाल हैज़ बीन हैविंग सिम्टम्स ऑफ कोल्ड एंड फ्लू, और आपको मालूम हुआ कि ये इसलिए हुआ कि बाबूलाल को कोल्ड एंड फ्लू के सिम्टम्स थे। व्हेन यू स्पीक विद बाबूलाल ही टेल्स यू, जब आप बात करते हो आपसे बताता है दैट व्हेन ही इज वॉकिंग पीपल क्रॉस ओवर, जब लोगों के पास जाता है ऑन द अदर साइड तो लोग उससे जहाँ वो होता है उससे दूसरी तरफ चले जाते हैं, उसे यानी उससे अलग हो जाते हैं ऑन अदर साइड ऑफ द स्टेट एंड डू नॉट इवन टॉक टू हिम, और हद ये है कि उससे बात भी नहीं करते और इस फैमिली मेंबर्स या उसके घर वालों से बात नहीं करते हैं इंक्लूडिंग हिज चिल्ड्रन, हत्ता कि उसके बच्चों से बात नहीं करते, इवन ऑन द फोन, हद ये है कि फ़ोन पर भी बात नहीं करते हैं। ही हैज़ डिसाइडेड टू गो टू हिज टू दिस टू हिज सिटी सिटी हाउस सो ही डस नॉट हैव द टू बेयर दिस बिहेवियर, उसने तय कर लिया कि मैं छोड़कर यहाँ से दूसरे अपने दूसरे शहर के घर में चल जाऊँगा ताकि इस किस्म का बर्ताव मुझे बर्दाश्त न करना पड़े। तो अब रोल ऑफ एन इन्फ्लुएंसर, वो क्या होगा क्वेश्चन, इज दिस द राइट थिंग टू डू, क्या ये जो उसके जो उसका ट्रैक्टर को रेंट पर लेने का एकदम उन्होंने लोग कोल्ड एंड फ्लू हो रहा था उसको इसकी वजह से, तो क्या ये सही है। क्वेश्चन टू, व्हाट विल यू डू एज द लोकल हेल्थ वर्कर, आप एक लोकल हेल्थ वर्कर के तौर पर क्या करेंगे। तो चेक हु कैन हेल्प इन इन्फ्लुएंसिंग द लोकल लैंड ओनर्स, आप ये देखिए
कि उस इलाके के अंदर ऐसे ज़िम्मेदार लोग कौन हैं जो वहाँ के जो ज़मींदार हैं, जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं जिनके पास ज़मीन है, वो जो उसके ट्रैक्टर किराए पर ले रहे थे उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनको प्रभावित कर सकता है। यूज़ द की इन्फ्लुएंसर्स इन गिविंग द कम्युनिकेशन ऑन व्हाट इज़ कोविड एंड व्हाट आर द सिम्टम्स। फिर उन इन्फ्लुएंसर्स को, उन प्रभावी लोगों को इस्तेमाल कीजिए बताने में कि कोल्ड फ्लू और कोविड के अंदर क्या फ़र्क है। टॉक टू द DHO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर फॉर डिस्कसिंग द सिम्टम्स ऑफ कोविड विद बाबूलाल। बाबूलाल को बताएं जो जिम्मेदार हेल्थ वर्कर्स हैं, एंड इफ़ ही इज़ ए कॉन्टेक्ट वट एडवाइजरी शुड बी गिविन टू हिम। और अगर वो एक कॉन्टेक्ट है, अगर वो सस्पेक्ट है, कॉन्टेक्ट है, अगर इस किस्म की कोई बात है कोविड के अंदर, उसके अंदर संभावनाएँ हैं, तो क्या उसको मशवरे दिए जा सकते हैं। होम क्वारंटाइन, अब ये होम क्वारंटाइन जो है ये भी बहुत अब कॉमन हो गया, सब लोग जानते हैं आजकल इस तरीके से, इसका ये सब प्रचार में है कि स्टे सेफ फॉर प्रोबेबल इन्फेक्टेड पर्सन, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट फॉर कोविड 19 सस्पेक्ट्स, दूसरे लोग प्रभावित ना हो, जो तंदुरुस्त लोग हैं तो वो जिनमें संभावनाएं हैं उनको अलग थलग कर देना, दिस इज होम क्वारंटाइन। कीप डिस्टेंस, स्टे इन ए वेल वेंटिलेटेड स्पेसिफिक रूम। अब घर में जब क्वारंटाइन कर दिया है तो फिर उसका तरीका क्या है कि स्टे इन ए वेल वेंटिलेटेड स्पेसिफिक रूम, एक अच्छा खासा अलग थलग कमरा हो, वेंटिलेटेड हो, अवे फ्रॉम अदर पीपल इन योर होम, अपने घर के दूसरे लोगों से अलग रहिए, जिन्हें क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन किया गया उनसे अलग रहिए, अगर सबको कर गया सब अलग अलग रहिए। रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट, अपना आना जाना जो है उसको रेस्ट्रिक्ट कीजिए, इफ़ अवेलेबल यूज़ ए सेपरेट बाथरूम। और अच्छा है कि अगर हर क्वारंटाइन पर्सन अपने लिए अलग बाथरूम इस्तेमाल करे। अवॉइड विजिटर्स इन द हाउस, कोई बाहर का आदमी जो है वो हाउस में अंदर नहीं दाखिल होना चाहिए, बिकॉज इफ़ इन्फेक्टेड यू कैन स्प्रेड इन्फेक्शन टू अदर, इसलिए कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आपका इन्फेक्शन दूसरे लोगों को जा सकता है। सीक हेल्थ केयर एंड नोटिफाई इफ सफरिंग फ्रॉम कफ और फीवर और ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड सस्पेक्टिंग कॉन्टेक्ट, वियर मास्क। अगर आपको ये सब है, बुखार है, खांसी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है और आप सस्पेक्ट्स में आते हैं तो मास्क इस्तेमाल कीजिए, एंड नोटिफाई नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी, जो भी आपके आसपास जो है हेल्थ फैसिलिटी है, आशा है, ANM है या आप आयुष स्टूडेंट्स हैं, उनको आप इमीडिएटली कॉन्टेक्ट कीजिए। अवॉइड गोइंग टू द पब्लिक एरियाज, डू नॉट गो टू वर्क, स्कूल और पब्लिक एरियाज लाइक मार्केट्स, सिनेमाज एट्सेट्रा। माइक सिनेमा है, मार्केट है, स्कूल्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, ऐसी जगह मत जाइए। अवॉइड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल मत कीजिए। वियर मास्क करेक्टली व्हेन यू आर अराउंड अदर पीपल एंड व्हेन एवर यू एंटर ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स क्लिनिक। जब आप दूसरे लोगों के दरमियान हैं या किसी डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, हेल्थ प्रोवाइडर क्लिनिक पर जा रहे हैं, तो मास्क का इस्तेमाल प्रॉपरली कीजिए। होम केयर, कीप एनवायरमेंट सेफ, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाई द हाउस होल्ड वेयर देर इज ए सस्पेक्टेड केस। नंबर एक, सपोर्ट असाइंड फैमिली मेम्बर्स टू टेक केयर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स, हेल्पिंग देम फॉलो डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस फॉर मेडिकेशन एंड केयर। सपोर्ट क्या होगी, असाइंड फैमिली मेम्बर टू टेक केयर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी केयर करने के लिए किसी को जिम्मेदारी दीजिए, उसे कहिए कि डॉक्टर का जो मशवरा है उसको माने, उन प्रिकॉशंस को जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको माने और उनका इस्तेमाल करें, ठीक, और देखभाल करें। वॉश हैंड्स विद सोप एंड वाटर एटलीस्ट फॉर 40 सेकेंड्स, कम से कम 40 हर बार जो फ्रिक्वेंटली है, और अगर वो नहीं कर सकते हो तो ये मैंने बताया कि बाहर से आए तब या कॉन्टेक्ट पर्सन के करीब जाए तब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, या टॉयलेट का यूज़ करें, उसके 40 सेकेंड्स तक हाथ जो है प्रॉपर तरीके से सोप और वाटर से धोने हैं, या एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर को इस्तेमाल करना है। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट ऑल हाई टच सर्फेसिस सच एज टेबल टॉप्स, डोर नोब्स, बाथरूम्स, फिक्सचर्स, टॉयलेट्स, फोन्स, एवरीडे यूटेंसिल्स, आल्सो वाइप एनी सरफेस दैट मे हैव ब्लड स्टूल और बॉडी फ्लूड्स ऑन देम। ये जितने सर्फेस टेबल टॉप है या इस टाइप के डोर नोब्स हैं या हैंडल्स हैं, इनको जो है डिसइनफेक्ट कीजिए, खासतौर से जहाँ ब्लड स्टेन है या कोई वॉमिट का पड़ा हुआ है, कुछ पार्ट पड़ा हुआ है या बॉडी फ्लू पड़ा हुआ है, तो उनको साफ कीजिए, डिसइनफेक्ट कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन 1 teaspoon फुल ऑफ हाउसहोल्ड ब्लीचिंग, जो ब्लीच इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, उसका 1 चम्मच 4 कप पानी के अंदर मिलाइए और उससे उन टेबल्स को या उन सर्फेसिस को साफ कीजिए। वॉश लॉन्ड्री थोरोली एंड अवॉइड शेकिंग सॉयल लिनन, इमीडिएटली रिमूव एंड वॉश क्लॉथ्स और बेडिंग दैट हैव ब्लड स्टूल और बॉडी फ्लूड्स ऑन देम, कीप अवे
फ्रॉम बॉडी, ये तमाम लिनन वगैरह जो उसके इस्तेमाल में हैं उनको आप धोइए जल्दी, लेकिन उन्हें हवा के अंदर झटकिए नहीं, उनको सनलाइट के अंदर सुखाइए। और जो इस टाइप के लिनन हैं, चादरें हैं, ओढ़ने वाली हैं, बिछाने वाली हैं, जिनके ऊपर बॉडी फ्लूड है या ब्लड स्टेन्स हैं या वॉमिट है या इस टाइप की, उन्हें फ़ौरन जो है वो चेंज कीजिए। लिनन कैन बी सोक्ड इन हॉट वाटर एंड सोप इन ए लार्ज ड्रम। ये तमाम कपड़े और ये लिनन जो है ये एक बड़े ड्रम के अंदर जो है वो सोख किए जा सकते हैं, लेकिन उनको अपने हाथों से मत हिलाइए, बल्कि एक लकड़ी के जरिए जो है स्टिर कीजिए, समझे। और उन्हें प्लेस आल यूज अच्छा ये हो गया, उनको जो है सनलाइट के अंदर सुखाइए। प्लेस आल यूज डिस्पोजेबल ग्लव्स, फेस मास्क एंड अदर कंटेमिनेटेड आइटम इन एन इन ए ब्लाइंड कंटेनर बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ देम विद अदर हाउस होल्ड वेस्ट। ये खास तौर से ध्यान रखिए, आप जो ग्लव्स पहनते हैं, आप जो मास्क इस्तेमाल करते हैं, उनको इधर उधर यूँ ही मत फेंकिए। जब आप उनको रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से तो उन्हें प्रॉपरली ब्लीचिंग के अंदर से उनको डिसइंफेक्ट कीजिए और प्रॉपरली उन्हें जो बंद कंटेनर हैं उनके अंदर डिस्पोज ऑफ कीजिए। नोट, इन्फेक्टेड पर्सन मे भी एम्बुलेटरी और बेड रिडन। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके बारे में नोट कीजिए कि वो चल फिर रहा है या बेड रिडन है। होम क्वारंटाइन स्टे सेफ फॉर फैमिली मेंबर्स। हाउस होल्ड मेंबर्स शुड स्टे इन अनदर रूम और बी सेपरेटेड फ्रॉम द पेशेंट एज मच एज पॉसिबल। उससे जो घर के लोग हैं जहाँ तक मुमकिन हो अलग थलग रहें। हाउस होल्ड मेंबर्स शुड बी यूज ए सेपरेट बेडरूम एंड बाथरूम इफ अवेलेबल। अगर एक बाथरूम और बेडरूम अवेलेबल है तो उससे अलग उसको इस्तेमाल करें। अवॉइड शेयरिंग हाउस होल्ड आइटम्स लाइक डिशेज, ड्रिंकिंग ग्लासेस, कप्स, ईटिंग यूटेंसिल्स, टॉवल्स, बेडिंग्स और अदर आइटम्स विद अदर पीपल एट होम। ये दूसरी चीज़ें हैं, बर्तन हैं, तौलियाँ हैं, कपड़े हैं, ये तमाम चीज़ें जो है अलग इस्तेमाल करें। मरीज़ की अलग होनी चाहिए, आपके अलग होनी चाहिए। वाश हैंड्स एज ऑफन थोरोली विद सोप एंड वाटर। वही हाथ धोना साबुन से या 70% एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर इस्तेमाल करना। वैन इन कॉन्टैक्ट विद द पर्सन हु इज क्वारंटाइन द फैमिली मेम्बर्स शुड वेयर ए 3-layer मास्क एट ऑल। वो ऑल द टाइम्स जो हैं वो 3-layer मल्टीपल लेयर वाला मास्क जो होता है, जिसे सर्जिकल मास्क भी आमतौर से कहते हैं, वो उसको इस्तेमाल करें। डिस्पोजेबल मास्क आर नेवर टू बी रीयूज्ड। ध्यान रखें कि जो आप मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं डिस्पोजेबल, वो रीयूज के लिए नहीं होते। आमतौर से 6-8 घंटे इनकी लाइफ होती है, उसके बाद इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। यूज मास्क शुड बी कंसिडर्ड एज पोटेंशियली इन्फेक्टेड। इनको समझना चाहिए कि इनके अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है। डिस्पोज मास्क बाई सोकिंग इन होम ब्लीच के अंदर इनको सोक कीजिए, उसके बाद इनको जो है डिस्पोज ऑफ कीजिए। डू नॉट लेट स्मॉल चिल्ड्रन प्ले विद द मास्क। छोटे बच्चों को मास्क से मत खेलने दीजिए। सेशन फाइव स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज स्टिग्मा, व्हाई इज देयर स्टिग्मा, व्हाट डज स्टिग्मा डू एंड व्हाट कैन फील्ड लेवल वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर कैन डू। व्हाट इज स्टिग्मा? इफ एनी एपिडेमिक, इट इज कॉमन फॉर इंडिविजुअल्स टू फील स्ट्रेस्ड एंड वरीड बिकॉज दे फियर। आमतौर से लोग डरते हैं, इसलिए स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो चिंतित हो जाते हैं और वो मुतफक्किर रहते हैं। क्या स्ट्रेस आता है कि फॉलिंग इल एंड डाइंग। आमतौर से एक फोबिया जहन के अंदर बैठ जाता है, साइकोफोबिक हो जाते हैं कि हम बीमार पड़ेंगे इस महामारी के अंदर और खुदा ना खास्ता मर जाएंगे। अवॉइडिंग अप्रोचिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ ड्यू टू फियर ऑफ बिकमिंग इन्फेक्टेड वाइल इन केयर। एक आम ये एक खामखा का एक फोबिया हो जाता है कि हम जब इन्फेक्ट उसमें केयर में जाएंगे, हेल्थ केयर की किसी हेल्थ एजेंसी के उसके अंदर जाएंगे, तो वहाँ जाने के बाद हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ दूसरे पेशेंट भी होंगे उसके कोविड के, और वहाँ हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी के लाले पड़ जाएं। और फियर ऑफ लूजिंग लिवलीहुड्स, अपनी रोज़गार के जाने का खतरा जो है वो बना रहता है। नॉट बींग एबल टू वर्क ड्यूरिंग आइसोलेशन, जब आइसोलेट कर दिया जाएगा या क्वारंटाइन कर दिया जाएगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे और इसलिए अपने रोजगार से वो हाथ धो बैठेंगे, ये एक आम डर बना रहता है। एंड बींग डिसमिस फ्रॉम वर्क, और अगर हम अपने रोजगार पर नहीं जाएंगे, अपने जॉब पर नहीं जाएंगे, तो शायद अपने जॉब से हम निकाल दिए जाएंगे। फियर ऑफ बींग सोशली एक्सक्लूडेड, प्लेस्ड इन क्वारंटाइन बिकॉज ऑफ बींग एसोसिएटेड विद द डिजीज़। और इस बीमारी में होने की वजह से हम समाज से काट दिए जाएंगे, क्वारंटाइन के अंदर डाल दिए जाएंगे, आइसोलेट कर दिए जाएंगे। फीलिंग पावर लेस इन प्रोटेक्टिंग लव्ड वंस एंड फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस बिकॉज ऑफ द वायरस और बींग सेपरेटेड ड्यूरिंग क्वारंटाइन। ये खतरा बना रहता है कि साहब हम किसी अपने प्रिय को या अपने किसी अजीज को खो देंगे, या उसको जो है हम यहाँ से हमसे अलग उसमें क्वारंटाइन में डाल दिया जाएगा या आइसोलेट हमसे कर दिया जाएगा। फीलिंग ऑफ द हेल्पलेसनेस, बोर्डम,
loneliness and depression due to being isolated and not working towards caring for a dependent. ये एक आम दोस्त होता है कि हम पे जो लोग मुनसिर हैं, हमारे जो डिपेंडेंट हैं, उनके लिए हम कोई काम नहीं कर पा रहे, तन्हाई से, आइसोलेशन से वो बोर हो जाते हैं, एक डिप्रेशन उनके अंदर आ जाता है, एक साइकोलॉजिकल चेंज जो है उनके बिहेवियर के अंदर आने लगती है. स्ट्रेस कॉज ड्यू टू द अबव फियर्स एंड बीइंग ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट और ब्लेम्ड फॉर स्प्रेडिंग द डिजीज. ये रहता है कि उनके ऊपर आमतौर से जो है जो लोग पूरी तरीके से हालात से वाकिफ नहीं और सही चीज़ों से वाकिफ नहीं होते, उनको ब्लेम लगा देते हैं कि साहब इनकी वजह से बीमारी फैली. तो एक साइकोलॉजिकल एक ओबिया एक फियर जो है वो बन जाता है उनके नेचर के अंदर और उनको चेंज कर देता है. व्हाई इज देयर स्टिग्मा? द लेवल ऑफ स्टिग्मा एसोसिएटेड विद कोविड 19 इज बेस्ड ऑन थ्री मेन फैक्टर्स. कोविड 19 इज ए न्यू डिजीज अबाउट विच मैनी थिंग्स आर स्टिल बींग डिस्कवर्ड. एक नई चीज़ है तो अभी सबको पता है कि इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी डिस्कवर की जानी बाकी हैं, उनके ऊपर रिसर्च किया जाना बाकी है. तो ये एक रहता है कि हम इस चीज़ से पूरी तरीके से चूंकि परिचित नहीं है, वाकिफ नहीं है, तो उसका डर बैठा रहता है. वैन समथिंग इज़ अनोन पीपल आर वरीड विच लीड्स टू फियर. अब जब कोई चीज़ जब हम जानते नहीं है जिस चीज़ को, तो उससे हमारे उसकी तरफ से चिंताएं, उसकी तरफ से वरीज जो है वो ज़्यादा हो जाती है हमारी तरफ से और वो हमारे अंदर एक डर पैदा कर देती है. र्यूमर्स और फेक न्यूज़ गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड स्प्रेड्स द फियर. ऐसे आलम में झूठी खबरें और अफवाहें सबसे बुरा काम अंजाम देती हैं और वो लोगों के अंदर डर पैदा करती हैं. रिकॉग्नाइजिंग स्टिग्मा. यू आर इन द ग्रोसरी शॉप, देयर आर सेवरल पीपल हु आर वियरिंग ए मास्क. यू सी बाबूलाल द स्टोर ओनर गोइंग रेड इन हिज फेस, ही ट्राइज टू सप्रेस ए कफ. अभी एक मिसाल उन्होंने दी है कि आप एक शॉप के अंदर हैं, लोग उसके अंदर खरीदारी कर रहे हैं और उसका जो शॉप कीपर बाबूलाल है उसका चेहरा सुर्ख है. क्यों? कि वो अपनी खांसी को दबाने की कोशिश कर रहा है. सुखराम हैज कम बैक फ्रॉम पुणे वेयर ही वर्क्स एज ए टैक्सी ड्राइवर. दे स्टे इन ए जॉइंट फैमिली एंड यू हैव टेकन हिज कॉन्टेक्ट हिस्ट्री एज एडवाइज बाई योर सुपरवाइजर. यू मे टू नो दैट सुखराम्स फैमिली मेम्बर्स हैव आस्क्ड हिम टू लीव द हाउस. अब से एक टैक्सी ड्राइवर है जो पुणे के अंदर काम करता है, वहां से वो आया है, तो उसको उसकी हिस्ट्री जब ली गई है तो उसके फैमिली मेंबर्स टू लीव हिज हाउस, के वो अपने घर को छोड़ दे, वो क्वारंटाइन में चल जाए, आइसोलेशन में चल जाए. ब्यूटी, ये एक और कैरेक्टर है. ब्यूटी वर्क्स इन दिल्ली एज ए हाउस मेड. रिसेंटली शी हैज कम बैक एंड यू हैव बीन टोल्ड दैट ब्यूटी एम्प्लॉयर्स हैव आस्क्ड हर टू लीव एज शी हैड ए कोल्ड. अब उसके जो एम्प्लॉय जहाँ वो काम करती थी दिल्ली के अंदर एक मेड के तौर पे काम करती थी, उसके जो एम्प्लॉय थे उन्होंने इसलिए उसको काम करने से मना कर दिया और उसे जॉब को खत्म कर दिया क्योंकि उसे कोल्ड की सिम्टम्स जो है वो डेवलप हो रहे थे. सुराली इज ए यंग गर्ल ऑफ 11 ईयर्स. शी एंड हर 8 ईयर ओल्ड ब्रदर आर स्टेइंग विद एन आंट एज देयर पेरेंट्स हैव बीन आस्क्ड टू गो इन फॉर आइसोलेशन. सुरालीज आंट कीप्स ऑन कंप्लेनिंग टू यू दैट द चिल्ड्रन आर ए बिग बर्डन ऑन द फैमिली सोर्सेज. तो ये एक सुराली है, सुराली और उसका छोटा भाई है, वो उसके उनके माँ बाप जो हैं दोनों जो हैं वो आइसोलेट कर दिए गए हैं. वो दोनों अपनी आंटी के यहाँ रह रहे हैं तो आंटी इस बात की कंप्लेंट कर रही है कि ये दोनों बच्चे जो हैं मेरी अपनी फैमिली के ऊपर एक बर्डन हो गए हैं. वाट विल यू फील इफ यू वेल बाबूलाल रानी और सुखराम और ब्यूटी, अगर आप इन सब कैरेक्टर्स की जगह होते तो आप क्या महसूस करते? द स्टिग्मा. बाबूलाल हैज सिंपल कफ बट ही इज टू स्केयर्ड टू कफ इफ इन फ्रंट ऑफ पीपल एज ही विल लूज द कस्टमर्स. बाबूलाल को से एक सिंपली साधारण सी खांसी है लेकिन वो इसलिए खांसने से डर रहा है कि अगर वो खांसेगा तो वो अपने कस्टमर जो उसकी दुकान पर आ रहे हैं उनको खो देगा. सुखराम नीड्स फैमिली सपोर्ट टू हेल्प हिम स्टे इन आइसोलेशन. अब सुखराम जो जिसको फैमिली अपने घर छोड़ने लिए कहा गया था उसको फैमिली सपोर्ट चाहिए आइसोलेशन में रहने के लिए. इफ एवरी वन टेक्स प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉर इन्फेक्शन नीड नॉट स्प्रेड. अगर सही प्रिकॉशंस ली जाएँ तो वो चीज़ें ये बीमारियाँ फैलने की कोई चांस ही नहीं रहते. ब्यूटी हैज ए सीजनल कोल्ड बट शी हैज़ बीन आस्क्ड टू लीव बाई हर एम्प्लॉयर. उसको भी एक जो ब्यूटी है करेक्टर है उसको एक सीधा साधा सा नज़ले की एक शिकायत है और उसी की वजह से सिर्फ डर की वजह से उसको जो है उसके एम्प्लॉयर्स ने जॉब से अलग कर दिया है. सुराली एंड हर ब्रदर आर टू स्मॉल चिल्ड्रन हु नीड टू बी सपोर्टेड. ये दो छोटे बच्चे हैं जिन्हें सपोर्ट किया जाना चाहिए. एंड द काइंड ऑफ इंसिडेंट्स
कैन कॉज मेंटल स्ट्रेस इवन इन द फ्यूचर. और इस टाइप की इंसिडेंस है कि उन बच्चों को अगर ये मालूम होगा कि वो उनके जो सपोर्टर हैं, जो उनकी आंटी हैं, वो उन्हें बर्डन समझ रही हैं, तो उससे एक मेंटल स्ट्रेस पैदा हो जाएगा और एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर चेंज आ जाएगी. व्हाट डज स्टिग्मा डू? मेक्स पीपल हाइड देयर प्रॉब्लम्स. स्टिग्मा जब पैदा हो जाता है तो फिर लोग अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाने लगते हैं. दूसरा, कीप्स पीपल अवे फ्रॉम एक्सेसिंग हेल्थ सर्विसेज एंड सीकिंग हेल्प. और फिर जब ये छुपाने की बात पैदा हो जाती है, लोग हेल्थ सर्विस की हेल्प लेने से बचने लगते हैं, उन वहाँ जाने से बचने लगते हैं. और डिस्क्रेडिट्स देम मे एट टाइम्स प्रिवेंट देम फ्रॉम अडॉप्टिंग हेल्दी बिहेवियर्स. और ये इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो उन्हें हेल्दी बिहेवियर्स लेने से रोकती हैं. फील्ड लेवल वर्कर या फ्रंट लाइनर जो हैं, जो फ्रंट लाइन के ऊपर जो है जंग लड़ रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? एज हेल्थ वर्कर यू कैन सेंसिटाइज पीपल एंड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ सिंपल इन्फेक्शन एंड 80% ऑफ द केसेज आर माइल्ड केसेज. आप एज ए हेल्थ वर्कर लोगों को समझा सकते हैं कि ये एक सिंपल टाइप का इन्फेक्शन है और इसके अंदर से आमतौर से तकरीबन 80% लोग जो हैं वो माइल्ड केसेज के शिकार होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं. कोविड 19 कैन हैपन टू एनी वन. आप बताएं कि कोविड 19 किसी को भी हो सकता है. एनी वन, स्पीक टू पीपल, लोगों को बताइए, बी अवेलेबल टू लिसन टू हाउ दे फील, और उनके लिए जो लोग महसूस करते हैं उसको आप सुनिए और समझिए. एडवाइज पीपल टू एंगेज इन रिलैक्सिंग एक्टिविटीज लाइक इंडोर गेम्स, रीडिंग, गार्डनिंग, होम क्लीनिंग एटसेट्रा. ऐसे कहिए वो एक्टिविटीज़ में, मतलब इससे डरें नहीं, लोग अपने अपने एक्टिविटीज़ के अंदर इंडोर गेम्स खेलें, घरों को साफ रखें, किताबें पढ़ें और इस किस्म के अपने जो है अपने आप को इन्वॉल्व रखें और एंगेज रखें. एंगेज कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स, जो प्रभावकारी लोग हैं, जिनके असरदार लोग हैं कम्युनिटी के अंदर, उनके असर को इस्तेमाल कीजिए. व्हाट्सएप्स ग्रुप्स बनवाइए. इस टाइप की जो सही एडवाइस हैं वो उसके ऊपर जो है वो कम्युनिकेट कीजिए. हेल्प इन गिविंग होप एंड पॉजिटिव न्यूज टू हेल्प पीपल हैंडल स्ट्रेस. और अफवाहों से और गलत न्यूज से बचा के सही करेक्ट सिचुएशन लोगों के सामने लाइए ताकि उनका हौसला बढ़ सके. पब्लिसिटी यूज टर्म्स लाइक पीपल हु हैव कोविड 19 इंस्टीड ऑफ कोविड 19 केसेस. अब ये है कि ये टर्मिनोलॉजी भी कभी कभी परेशान करती है. आप जब कहते हैं कि कोविड 19 केस, तो आदमी जो है वो खामखा को सेंसिटाइज हो जाता है, अलर्ट हो जाता है. तो आप उसकी जगह कह सकते हैं कि पीपल हु हैव कोविड 19, इसको कह सकते बजाय 19 कोविड 19 केस के ये कहिए, या विक्टिम ना कहिए, उन्हें सिमिलरली कहिए कि सफरिंग फ्रॉम दिस. एम्फेसाइज दैट मोस्ट पीपल डू रिकवर फ्रॉम कोविड 19. ये इस बात पर जोर दीजिए, बताइए कि आमतौर से ज्यादातर लोग कोविड 19 से जो है वो रिकवर हो जाते हैं. एम्प्लीफाई द गुड न्यूज, जो अच्छी न्यूज है उनके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए. अबाउट लोकल पीपल हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, ऐसे लोगों को तलाश कीजिए जो कोविड 19 से रिकवर हो गए, उनकी बातें लोगों को उनके सामने दोहराइए ताकि लोगों को हौसला बन सके. मेक स्पेशल एफर्ट्स टू रीच आउट टू हाई रिस्क ग्रुप्स इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन्स एंड यंगर चिल्ड्रन. जो सीनियर सिटीजन हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनकी तरफ ज्यादा केयर करिए, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए. केस फ्रॉम फैमिली, व्हाट कैन एक FLW डू? सुरेश वॉज अंडर होम क्वारंटाइन व्हेन हिज वाइफ डेवलप्ड लिवर पेन्स एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल फॉर डिलीवरी. सुरेश जो था क्वारंटाइन में था, उसकी बीवी गर्भवती थी और उसको लिवर पेन हुए, उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत थी. द आशा एश्योर्ड सुरेश, जो आशा वर्कर है उसने सुरेश को ये आश्वासन दिया दैट हिज वाइफ विल बी टेकिंग केयर ऑफ वाइल ही शुड रिमेन आइसोलेटेड विद इन द हाउस एज एडवाइज. जब वो आइसोलेशन में रहेगा एज पर एडवाइस, तो उस वक्त उसकी बीवी का ध्यान रखा जाएगा. द आशा कॉल्ड हर नेबर. आशा ने उसके पड़ोसी सीमा को बताया एंड रिक्वेस्टेड हर टू सेंड फूड फॉर सुरेश, और उसे बताया कि जब ये लेबर पेन की वजह से हॉस्पिटलाइज की जाएगी इसकी वाइफ, तो सुरेश के लिए खाना भेजे. शी रिमाइंडेड सीमा टू टेक द प्रिकॉशंस और वाइल गिविंग फूड, और उसने उसे सीमा को बताया जो उसकी पड़ोसन है के फूड को भेजते वक्त क्या एहतियात जो है वो उसे बरतनी चाहिए. शी देन कॉल्ड द कन्वीनर ऑफ द लोकल मदर्स ग्रुप एंड ए मेंबर ऑफ विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कमिटी मेंबर एंड अप्राइज्ड बोथ ऑफ देम ऑफ द सिचुएशन. और ये उसने जो लोकल वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्थ और सैनिटेशन वगैरह के लिए काम करती हैं गाँव वगैरह के अंदर, उन लोगों को कॉल किया, उनको बताया कि इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाना है. वाट आर द पॉजिटिव एक्शंस टेकन बाई आशा? आशा हैज़ प्रोएक्टिवली फॉर्म कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप एंड प्लान इन केस ऑफ एमरजेंसी. आशा ने
एक ग्रुप बनाया और प्लान किया कि इमरजेंसी की हालत के अंदर क्या किस तरीके से किया जाना है, व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना है। शी इन्फॉर्म्ड हर नेबर टू गिव फूड, उसे सबसे पहली ज़रूरत खाने की थी उसके सुरेश को, क्योंकि उसकी वाइफ को लिवर पेन की वजह से हॉस्पिटलाइज होना था, तो उसने पहले उसके खाने का इंतजाम किया। विच ग्रुप्स एंड पीपल वर इन्वॉल्व बाई आशा टू प्रोवाइड सपोर्टिव एनवायरमेंट, कौन से ग्रुप इस्तेमाल किए गए सपोर्टिव एनवायरमेंट, द नेबरस पड़ोसी और जो लोकल जो एन जी ओज जो काम कर रही थी हेल्थ उसके अंदर, सोशल अपलिफ्टमेंट के अंदर, सोशल हेल्प के अंदर जो काम कर रही थी उनको, और एडोलेसेंट गर्ल्स जो बड़ी होती हुई लड़कियाँ हैं उनका ग्रुप एक था उसको उन्होंने जो है उसके अंदर इन्वॉल्व किया। इफ़ यू वर प्लेस ऑफ आशा वट वुड यू हैव टू डू एडिशनली, अगर आप उसकी जगह होते तो आप और क्या कर सकते थे। आइए सेशन सिक्स के अंदर, वट टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी चीज़ का आप सही तरीके से अगर कम्युनिकेट करते हैं तो वो इम्पैक्ट करती है, उसके असरात निकलते हैं। तो व्हाट टू कम्युनिकेट, हाउ टू कम्युनिकेट, मास्क मैनेजमेंट एंड प्रीकॉशंस, ये इसके अंदर हम देखेंगे कि डिस्कस करेंगे। तो व्हाट टू कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स, क्या 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 कम्युनिकेट करना, हैंड हाइजीन उसके बारे में बताइए लोगों को, रेस्पिरेटरी हाइजीन के बारे में जैसा पहले जिक्र हो चुका है वो बताइए, सोशल डिस्टेंसिंग उसके बारे में प्रॉपरली लोगों को कम्युनिकेट कीजिए, होम केयर एंड होम क्वारंटाइन, जो होम केयर के घर के अंदर किस तरीके से ख्याल रखना, होम क्वारंटाइन के अंदर किस तरीके से रहना है वो बताइए, मॉनिटरिंग सिम्टम्स के सिम्टम्स को किस तरीके से मॉनिटर करना सिम्टम्स को, और शेयर मोविजोर्स, डिस्प्ले आईसी मटेरियल्स एंड अप्रिशिएट प्लेसेस अप्रोप्रिएट प्लेसेस, कुछ इस टाइप के पोस्टर्स और ये फ्लैक्स वगैरह इस जगह जगह लगाइए जो लोगों को जानकारियाँ पहुँचा सके। यूज एसेंशियल सर्विसेज लाइक गार्बेज कलेक्शन वेन्स, मिल्क सप्लाई फॉर मिक्सिंग एटसेट्रा, फॉर माइकिंग एटसेट्रा, जो हमारी जैसे एम्बुलेंस हैं, जैसे मिल्क वैन है, जैसे गार्बेज वैन है, उनके ऊपर जो है माइकिंग सिस्टम से माइक लगाकर और लोगों को अवेयर किए। शेयर व्हाट्सएप मैसेज ऑन ग्रुप्स, जो व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स हैं उनके थ्रू जो है मैसेजिंग कीजिए। यूज पॉकेट बुक फॉर गिविंग की मैसेजेस, अभी इसमें हम आपको एक पॉकेट बुक देंगे जिसके अंदर वो पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल कम्पैक्ट पॉइंट्स हैं मुख्तसर करके, लेकिन वो बता दिए गए हैं खास खास तरीके से, खास खास की पॉइंट्स बता दिए गए हैं, वो पॉकेट बुक है, वो तमाम जितने भी हमारे ट्रेनीज हैं उन सबको जो है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है वो पहुंचा दी जाएगी, उसको इस्तेमाल कीजिए और उसकी डायरेक्शन के अंदर आगे अपना काम कीजिए। कम्युनिकेशन कैसे, हाउ कम्युनिकेशन, हाउ ऑलवेज पोलाइट, एनी वन कैन गेट द इन्फेक्शन एनी वेयर, हमेशा नम्रता से बात कीजिए, किसी को भी इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है। डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, किसी के साथ भेदभाव ना कीजिए, शाउट नहीं, कोई चिल्लाना नहीं है, और यूज रूड लैंग्वेज, कोई रूड लैंग्वेज जो है वो आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। द पीपल अबाउट द पर्पज ऑफ योर विजिट एंड व्हाट यू विल डू विद द आंसर्स यू आर सीकिंग, से दैट दिस इज सपोर्ट दैट द गवर्नमेंट इज गिविंग टू ऑल सिटीजन्स, जब आप जाएं तो आप बताइए कि ये गवर्नमेंट की तरफ से वो सपोर्ट है जो अपने तमाम नागरिकों को दे रही है और इससे ये फायदा है। गैदर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट, सही सही जानकारी पेशेंट से लीजिए, द नेम, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ट्रेवलिंग हिस्ट्री, कहीं उसने इस बीच के अंदर यात्रा की है, ट्रेवल किया, सफर किया, लिस्ट ऑफ सिम्टम्स के क्या क्या सिम्टम्स हैं, रिकॉर्ड एंड कम्युनिकेट्स एज पर द सर्विलेंस फॉर्मेट राइट इन द इंफॉर्मेशन क्लियरली, तमाम चीज़ें क्लियरली लिखिए और तमाम चीज़ें उसको जो है वो एज पर डायरेक्शन जो है अपने जो आपका सुपरवाइजर है उनके डायरेक्शन के थ्रू जो है वो आप उन तक पहुँचाइए। बी अवेयर दैट सस्पेक्टेड एंड कन्फर्म केसेज एंड एनी विजिटर्स एकम्पनिंग दैम, आप इससे इस बात को के लिए उन्हें सचेत कीजिए, दैट सस्पेक्टेड एंड कन्फर्म केसेज एंड एनी विजिटर एकम्पनिंग दैम मे बी स्ट्रेस्ड और अफ्रेड, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू इज टू लिसन केयरफुली टू द क्वेश्चन एंड कंसर्न्स, कोई सस्पेक्ट हो या उनको उनके जो लोग आ रहे हैं उनसे मुतालिक हैं या जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनके अंदर किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो सकता है, तो उनकी तमाम बातों को धैर्य से हौसले के साथ और पूरे सब्र के साथ सुनिए और उसके बारे में उनको सही सही मशवरे दीजिए। इट इज़ बेटर टू सिट इन द ओपन टू स्पीक विद द फैमिली मेम्बर्स इन स्पेस एंड सिचुएशन अलाउज, अच्छा बेहतर ये रहेगा कि आप खुले में बैठ कर इत्मीनान से आराम से बातचीत करें और उनकी तमाम बातें सुनें। नेक्स्ट मास्क मैनेजमेंट, ये भी जो आपका सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए गियर है उसके लिए कि किस तरीके से मास्क आप बांधेंगे, यूज ए मास्क करेक्टली, यूज मास्क इफ एंड ओनली व्हेन यू डेवलप फीवर कफ और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जब आपको बुखार हो खांसी हो
सांस के अंदर तंगी हो तो मास्क इस्तेमाल कीजिए। यू विजिट हेल्थ केयर फैसिलिटी, किसी आप क्लिनिक पे जाएं, किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी की तरफ जाएं, तब आप मास्क बांध कर जाएं। यू आर केयरिंग फॉर इन एनिल पर्सन, किसी बीमार आदमी की आप देखभाल कर रहे हैं तब मास्क बांधें। व्हेन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जब आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं तब आप मास्क बांधें, यानी कॉन्टैक्ट को आप ट्रेस करने कहीं किसी लोकेलिटी में गए हुए तो मास्क बांध कर जाएं। यूज ए मास्क करेक्टली, करेक्टली आप बांधिए। किस तरीके से, अनफोल्ड प्लीट्स फेसिंग डाउन, प्लेस ओवर नोज माउथ एंड चिन, उसको खोलिए और उसको बांधिए अपने चेहरे को इस तरीके से कि नाक के ऊपर, मुंह के ऊपर और थोड़ी के ऊपर, पोर्शन सही तरीके से आपके उसके बराबर फेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए और कोई जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, पूरी तरीके से ढकी होनी चाहिए माउथ नोज एंड चिन। फिट नोज पीस ओवर नोज ब्रिज, नोज ब्रिज जो होता है उसको वहां से आप फिक्स कर लीजिए। द स्ट्रिंग, अपर स्ट्रिंग टाइट, जो अगर बांधने वाले मास्क हैं तो पहले ऊपर की स्ट्रिंग बांधे और फिर नीचे की स्ट्रिंग बांधे। लीव नो गैप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द मास्क, एडजस्ट टू फिट, दोनों साइड के अंदर कोई गैप ना छोड़े, वो फिट हो जाना चाहिए आपके चेहरे के ऊपर। डू नॉट पुल द मास्क डाउन और हैंड फ्रॉम द नेक, लोगों को आदत होती है कि अपने मास्क को नीचे लटका लेते हैं, थोड़ी सी नीचे लटका, वो ऑफ नो यूज, उसका कोई फायदा नहीं है, तो ऐसा मत कीजिए, अपने मास्क को अपने सही फेस के ऊपर रखिए। अवॉइड टचिंग द मास्क व्हाइल इन यूज, जब आपने मास्क बांधा हुआ हो तो उसको अपने हाथों से छूने से परहेज कीजिए। रिप्लेस मास्क विद ए न्यू क्लीन ड्राई मास्क एज सून एज दे बिकम डैम्प ह्यूमिड और 6 to 8 hours, अब ये बहुत नम हो गए हों, ह्यूमिड हो गए हों, डंप हो गए हों या 6 से 8 घंटे गुजर गए हों तो नया मास्क इस्तेमाल कीजिए। प्रिकॉशन सेफ्टी मेजर्स फॉर फील्ड लेवल वर्कर, व्हेन मूविंग अराउंड द कम्युनिटी, जब आप कम्युनिटी की तरफ जा रहे हैं, किसी लोकेलिटी की तरफ जा रहे हैं, किसी जगह सर्विलेंस करने जा रहे हैं, मेंटेन डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 1 meter फ्रॉम पीपल वेयर व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, जब किसी आदमी से आप बात कर रहे हैं तो आप खुद पहले उसकी मिसाल पेश कीजिए, उसको प्रेजेंट कीजिए कि 1 meter के करीब दूरी जो है या 2 हाथ की दूरी उससे रखिए, जब उससे बातचीत करते वक्त बिल्कुल उससे मिलकर बात ना कीजिए। यूज ए 3-layered मास्क टू कवर योर फेस, मेक श्योर इट इज़ प्रॉपरली बॉर्न वाइल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जब आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं तो सही तरीके से मास्क को पहनिए, 3-layer मास्क जो है वो काफ़ी है। अवॉइड टचिंग योर फेस आइज नोज माउथ एट ऑल टाइम्स, हर समय जो है अपने नाक मुंह और नाक को मुंह को और आंखों को टच करने से, छूने से बचिएगा। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर फ्रिक्वेंटली, अक्सर तरीके से अपने हाथ जो है साबुन और पानी से धोइए या सैनिटाइजर, एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, 70% एल्कोहल जिसमें बेस हो उसको इस्तेमाल कीजिए। अवॉइड टचिंग डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, जो पेशेंट है या जिसको आप ट्रेस कर रहे हैं उसको डायरेक्ट टच से या फिजिकल कॉन्टैक्ट से आप बचिए। इमीडिएटली ऑन रीचिंग होम, जब आप ये सब करके अपनी लोकेलिटी सर्विलेंस के बाद वापस आएँ तो केयरफुली रिमूव एंड डिस्पोज ऑफ योर फेस फेस मास्क बाई सोकिंग इन ब्लीचिंग सोल्यूशन एंड देन थ्रो इट इन ए कवर्ड डस्टबिन। सी मास्क मैनेजमेंट, मास्क मैनेजमेंट के बता दिया गया कि जब आप आएँ तो उसे उतारें, उसको जो है ब्लीच के अंदर जो है जो ब्लीचिंग सोल्यूशन आपके घर पर है उसमें सोक करें, उसके बाद उसको कवर्ड डस्टबिन के अंदर डालें, तब डिस्पोज ऑफ होगा, ऐसे ही उसको नहीं फेंके ज़्यादातर। वॉश योर हैंड्स विद द सोप और वाटर, पानी से अपने हाथ धोइएगा साबुन से और पानी से या एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो है वो इस्तेमाल कीजिएगा। वाइप डाउन व्हाट यू हैव कैरीड लाइक योर पर्स एंड मोबाइल विद होम बेस्ड डिसइंफेक्टेंट्स, जो भी आपके पास होम बेस्ड डिसइंफेक्टेंट है उससे अपना मोबाइल पर्स वगैरह उसको साफ कीजिएगा। इफ़ यू गेट एनी सिम्टम्स लाइक फीवर कफ और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, रिपोर्ट टू द नियरेस्ट गवर्नमेंट फैसिलिटी और डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर इमीडिएटली, अगर उसके बाद आपको इनमें से कोई लक्षण उभरता है, बुखार होता है या खांसी होती है, सांस के अंदर दिक्कत होती है, तो नियर फैसिलिटी जो है आपकी हेल्थ फैसिलिटी उस वहाँ आप इन्फॉर्म कीजिए या किसी अपने ऑफिसर को इस फौरन इन्फॉर्म कीजिए। मिथ्स एंड फैक्ट्स, जो समाज के अंदर इस टाइप के मिथ्स फैले हुए हैं यानी झूठी बातें फैली हुई हैं, अंधविश्वास फैले हुए हैं, उनकी सच्चाई क्या है। स्टेटमेंट विद द समर कमिंग अप कोरोना वायरस विल बी किल्ड, एक ये फैला हुआ है कि अंधविश्वास के जैसे ही गर्मी आएंगी तो ये कोरोना वायरस जो है ये समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, ये सच बात नहीं है, इसलिए कि कोरोना वायरस जो है वो ऐसे बहुत से मुल्कों के अंदर फैला हुआ है कि जो जहां टेम्परेचर जो है हाई है और ऐसे मुल्कों के अंदर भी है जहां टेम्परेचर लो है, तो इससे कोई संबंध नहीं है, इस बार टेम्परेचर से कोई संबंध नहीं है कि किस टेम्परेचर के ऊपर ये सर्वाइव करेगा और किस पर नहीं करेगा। स्टेटमेंट हैविंग ए बाथ विद हॉट वाटर
विल किल द वायरस। आम लोगों में ये भी एक अंधविश्वास है कि अगर आप गर्म पानी से नहाएंगे तो कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा, ये बात भी बिल्कुल गलत है। इसलिए कि आप कितने भी गर्म पानी से नहाएं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर अंदर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रहेगा, तो उसके अंदर को कोई ऐसा नहीं है कि वो आपके जो बाहर का पानी का टेम्परेचर जिससे आप नहा रहे हैं वो अंदर जो है काम करके उसको आपके कोरोना वायरस को ख़त्म कर देगा। स्टेटमेंट ये है कि गेटिंग द निमोनिया वैक्सीन विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट द वायरस। ये भी लोगों में एक अंधविश्वास है कि निमोनिया वैक्सीन अगर लिया गया है तो वो वायरस को ख़त्म कर देगा। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से जो निमोनिया होता है उसके अंदर भी वो इफेक्टिव होगा। हाँ, दूसरे जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म उनकी वजह से निमोनिया है तो वहाँ उसका जो कुछ असर हो, लेकिन कोरोना वायरस के प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड निमोनिया के अंदर जो है वो इसका कोई असर नहीं होता। एक अंधविश्वास ये कि स्प्रेइंग अल्कोहल और डिसइंफेक्टेंट ओवर योर बॉडी कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन। लोगों में ये भी है कि साहब अपनी बॉडी के ऊपर या अपने कपड़ों के ऊपर जो है वो अल्कोहल या डिसइंफेक्टेंट जो है वो स्प्रे कर लें तो उसको हो जाएगा, तो ये भी गलत बात है। इस तरीके से कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म नहीं होता। स्टेटमेंट ये है कि रेगुलरली रिंसिंग द नोज विद सेलाइन विल प्रिवेंट द इन्फेक्शन, कि हम नमक के पानी से जो है वो बड़ा लगातार अपनी नाक को धोते रहें तो इससे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो रिंसिंग नोज से उससे हो सकता है कि उससे आपको कुछ दूसरे फायदे हों, लेकिन कॉमन कोल्ड वगैरह के अंदर ही आपको फायदा हो सकता है, बट कोई एविडेंस इस बात का नहीं मिला है कि इससे कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो है वो भी ख़त्म होता है। स्टेटमेंट क्या है कि कोरोना वायरस कैन पास थ्रू चिकन एंड मीट। लोगों में ये भी है कि चिकन और मीट के जरिए जो है कोरोना वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है, पास हो सकता है, ये भी गलत है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि इनके जरिए होता है। हाँ, प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, जो भी खाना आप खाएं, चाहे वो मीट है, चिकन है, वेजिटेबल है, जो कुछ भी है, वो इतना प्रॉपरली अगर कुक्ड है तो वो कोरोना वायरस के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। ए पर्सन विद कोरोना वायरस कैन रिकवर फुल्ली एंड बी नो मोर इन्फेक्शियस। ये एक अंधविश्वास है कि जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन है वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है, उसको दोबारा इन्फेक्शन नहीं होता। तो अभी 80% ऑफ द पीपल हैव रिकवर्ड फ्रॉम द कोरोना डिजीज विदाउट नीडिंग स्पेशल ट्रीटमेंट, बट इन्फॉर्मेशन ऑन द वायरस ट्रीटमेंट इज स्टिल बीइंग रिसर्च्ड। 80% लोग जो है वो सोते ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन अभी तक इसके इलाज पर रिसर्च चल रही है और ऐसी भी कोई एविडेंस नहीं है कि इसका रीइन्फेक्शन नहीं हो सकता। ईटिंग रॉ गार्लिक सीसम सीड्स विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट द वायरस। एक ये विश्वास है लोगों के अंदर कि हम लहसुन खाएंगे या तिल इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है वो कोरोना वायरस जो है वो हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएगा, ये भी गलत है। लहसुन खाने से आपको हो सकता है कोई दूसरा फ़ायदा हो, सीसम सीड्स खाने से हो सकता है, लेकिन कोरोना वायरस के ऊपर इसका कोई इफेक्ट जो है एविडेंट नहीं है। स्टेटमेंट क्या है, वायरस कैन डाई इजिली वंस इट इज़ आउट ऑफ द बॉडी। लोगों में ये भी है कि अगर शरीर से बाहर वो वायरस है तो वो आसानी से मर सकता है, तो हम इसके पिछले हिस्सों के अंदर बता चुके हैं कि आउटर सर्फेसिस के ऊपर जो है वो कितने टाइम तक वो सर्वाइव करता है। अच्छा, वी डोंट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर वायरस एज ऑफ नाउ, सिमिलर वायरसेस सार्स, यानी हमें सार्स के बारे में मालूम है, मार्स के बारे में मालूम है, उन्हीं के ऊपर हम गेस कर रहे हैं, लेकिन अभी इसके बारे में जो है वो हमें पूरी मालूमात नहीं है। लेकिन ये सार्स और मार्स के वायरसेस भी जो है जो इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं वो भी 8 से 24 घंटे तक आउट ऑफ द बॉडी सर्वाइव करते हैं। स्टेटमेंट, यू कैन गेट COVID-19 थ्रू मॉस्किटो बाइट्स। लोगों में ये भी एक विश्वास है कि मच्छरों के काटने से जो है वो कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, ये बात भी गलत है। लेट्स एक्सपोज द वायरस। इसके अंदर अब ये कुछ आपके इसके अंदर सवाल हैं, इसके अंदर ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इसके अंदर जो पहला स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, इसमें आप बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एल्डरली पीपल आर मोर एट रिस्क ऑफ कैचिंग द इन्फेक्शन। जो बूढ़े लोग हैं वो इन्फेक्शन कैच करने के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं, ये स्टेटमेंट है, ये राइट स्टेटमेंट है। आशा टू वियर मास्क एट ऑल टाइम्स, हर वक्त उसको आशा वर्कर जो है उसको जब जाए तो उसको मास्क पहनना चाहिए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्प्रेइंग अल्कोहल और डिसइंफेक्टेंट ओवर योर बॉडी विल प्रिवेंट COVID-19, ये एक स्टेटमेंट है कि अल्कोहल को अगर अपनी बॉडी के ऊपर स्प्रे कर लेंगे तो वो प्रिवेंट करेगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। स्टेट द पर्पज ऑफ योर विजिट व्हेन यू आर ऑन सर्विलेंस ड्यूटी, जब आप सर्विलेंस ड्यूटी पे हो तो अपनी विजिट का पर्पज बताएं, ये स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। If someone is coughing in public, it is all right to shout and tell the person to go away. अगर कोई आदमी पब्लिक के अंदर खांस रहा है तो उसके ऊपर चिल्लाना, उसे वहाँ से भागने के लिए कहना, ये स्टेटमेंट गलत है। Person with diabetes, hypertension is a high risk group. ये मैंने कहा था comorbid, जो जिन्हें hypertension है, जिन्हें diabetes है या heart disease है, तो वो actually वो high risk group हैं, ये स्टेटमेंट सही है। Clean hands with any sanitizer,
ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होना चाहिए, तब वो काम करेगा। व्हेन यू रिमूव योर मास्क डू नॉट टच इट, टच द फ्रंट, ऑलवेज रिमूव लेसेस फ्रॉम बिहाइंड, लेसेस को पीछे से खोलिए, हाँ ये बात सही है। डू नॉट टच योर फेस नोज माउथ एंड आइज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ड्रिंक वार्म वाटर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोविड 19, वार्म वाटर ड्रिंक करने से, पीने से आपको हो सकता है कुछ दूसरे फायदे हो, लेकिन जहां तक कोविड 19 का सवाल है उसके अंदर जो है उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, तो ये गलत है। वॉश क्लोथ्स इन 0.1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन, ये बात सही है। यूज सेलाइन स्प्रेज टू प्रिवेंट वायरस इन्फेक्शन, सेलाइन स्प्रेज जो है वो करें उसे, ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद कुछ और स्टेटमेंट्स हैं, ईटिंग गार्लिक एंड सीसम कीप्स यू सेफ फ्रॉम कोविड 19 इन्फेक्शन, मैंने अभी बताया कि लहसुन या तिल खाने से जो है वो नहीं खत्म होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ विद हाई फीवर रिक्वायर्स इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन, हाँ ये बात सही है, जब आपको शॉर्टनेस हो, ब्रीथ की सांस लेने में दिक्कत हो और हाई फीवर हो तो आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है। कीप अ डिस्टेंस ऑफ 3 meters फ्रॉम पीपल हु आर कफिंग और स्नीजिंग, अब 3 meter का डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, 1 meter का डिस्टेंस वो एनएफए, ये स्टेटमेंट गलत है। डू नॉट डिस्पिट इन द ओपन, ये खुले में न थूकें, ये स्टेटमेंट ये सही है। सीजन 7 एक्टिवेटिंग सपोर्ट सेफ प्रैक्टिसेस और स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, एडवाइज कम्युनिटी मेंबर्स टू वॉलंटियर फॉर सपोर्टिंग द कम्युनिटी हेल्प डेस्क सेटअप बाय द लोकल म्यूनसिपैलिटी, अब लोकल म्यूनसिपैलिटी जो है वो जो हेल्प डेस्क जो है जगह जगह कायम कर देती है, तो लोगों से कहिए कि उसको सपोर्ट करें, सपोर्ट द टास्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग मास्क इन द कम्युनिटी, जो मास्क वगैरह तकसीम किए जा रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए, एंश्योरिंग दैट दे आर गिविन टू दोज हु मोस्ट रिक्वायर, और ये ख्याल रखिए कि जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें सबसे पहले दीजिए। मास्क मैनेजमेंट टू बी टॉट वाइल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बताइए, उसको बांटने का तरीका और उसको पहनने का तरीका बताइए। कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव एंश्योर दैट कम्युनिटी क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ड्राइव टू बी टेकन अप रेगुलरली बाय द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू जो है वो सफाई वगैरह रेगुलरली होते रहना चाहिए, ये भी एंश्योर कीजिए। गिव इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर्स इन्वॉल्वमेंट, जो वहाँ के मकामी मजहबी रहनुमा हैं और जो पॉलिटिकल सियासी रहनुमा हैं उन लोगों की सपोर्ट लीजिए, जाहिर बात है कि उनकी सपोर्ट लेने के बाद आपकी बात के अंदर ज़्यादा वजन पैदा होगा, ज़्यादा असर पैदा होगा। गिव इन्फॉर्मेशन आउट थ्रू कॉमन एसेंशियल सर्विसेज लाइक गार्बेज वेन्स, मिल्क सप्लाई वेन एक्सेट्रा, जो भी सर्विसेज की वेन्स हैं उनके थ्रू माइकिंग के जरिए, माइक लगाकर, या आपकी एम्बुलेंस अगर जा रही है तो उनकी माइकिंग के जरिए वो अवेयरनेस पैदा कीजिए। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लीचेस सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन एंड यूज ऑफ द डिसइंफेक्टेंट्स टू बी प्लांट इन द कम्युनिटी, ये तमाम जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं इनको प्रोवाइड कराने की कोशिश कीजिए। आइडेंटिफाई द हाई रिस्क ग्रुप्स इन द कम्युनिटी एंड हेल्प देम टू आइसोलेट देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड, जो हाई रिस्क ग्रुप है वो अपने आप को आइसोलेट रखे, एहतियात रखे, ताकि वो लोग जो है इन्फेक्टेड ना हो सके। बी इन टच विद द गवर्नमेंट सर्विसेज टू ऑर्गेनाइज टू गेट द मिड डे मील्स डिलीवर टू द चिल्ड्रंस, अब आजकल स्कूल बंद है तो मिड डे मील जो है जो बच्चों को जो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसको उनके कॉन्टैक्ट में रहिए ताकि प्रॉपरली वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके बच्चों को उनके घरों पर। गेट की इन्फ्लुएंसर्स हु कैन हेल्प यू विद विजिलेंस एंड ट्रैकिंग पीपल हु मे पॉसिबली बी इन्फेक्टेड एंड रिपोर्ट इट फॉर रेफरल, तो ऐसे असरदार लोगों को साथ रखिए अपने साथ में कि जिन लोगों का विजिलेंस करने जा रहे हैं, जिनके सर्विलेंस करने जा रहे हैं, हो सकता है कि उनको रेफरल की जरूरत पड़े, तो अपने साथ ऐसे लोगों को साथ रखिए। कम्युनिटी लेवल कैडर टू बी ट्रेन टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ प्रोटोकॉल्स ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, जो लॉकडाउन पीरियड के अंदर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी है, क्या नहीं करनी है, तो ऐसा कैडर कम्युनिटी के अंदर से इकट्ठा कीजिए, उसको अपना इस्तेमाल कीजिए। कम्युनिटी लेवल स्ट्रक्चर टू बी आइडेंटिफाइड टू ट्रांसफॉर्म इन टू क्वारंटाइन फैसिलिटीज़, अब क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ जो है वो बनानी है, तो वहाँ लोकल लोगों की हेल्प लेके वो तमाम चीज़ें इकट्ठा कीजिए। रीच आउट टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल सच एज लेबरर्स, हाउसमेट्स, शेल्टर होम माइग्रेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर्स एंड एडवाइज देम टू फॉलो, अब ये जो दिहाड़ी तबका है, जो दिहाड़ी मजदूरी का तबका, उसमें लेबरर्स हैं, हाउसमेट्स हैं, जो शेल्टर होम में रहने वाले हैं, वो तमाम इस टाइप के लोग हैं, उनसे मिलिए, उन्हें बताइए कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, वो हाथ धोने का तरीका उनको बताइए, चेंज क्लॉथ्स एंड इफ पॉसिबल वॉश वन सेल्फ यूजिंग सोप आफ्टर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो जब वो अपने काम से बाहर आए उन्हें बताइए कि अपने कपड़े धोएं, अगर मुमकिन हो सके साबुन से धोएं रोजाना। अवॉइड स्पिटिंग इन ओपन प्लेसेस, उन्हें बताइए कि बाहर खुले में थूकना बंद करें, हमेशा स्पिटून के अंदर या वॉश बेसिन के अंदर थूकें। मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ मिनिमम 1 meter फ्रॉम अदर्स, 1 meter का डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग रखें, वो उन्हें बताइए। कॉन्टैक्ट कम्युनिटी हेल्प डेस्क हेल्थ फैसिलिटी इफ दे डेवलप फीवर, और अगर उनमें से किसी को बुखार खांसी या सांस के अंदर दिक्कत हो जाती है तो जो भी आपकी जो पॉसिबल जो कॉर्नर्स हैं, जो काउंटर्स हैं, वहाँ वो जाके वो कॉन्टैक्ट करें।
अब आइए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो हैं उनसे मिलिए, जो वहाँ की जो लाभकारी संस्थाएं होती हैं जो सोसाइटी के फायदे के लिए कायम की जाती हैं। मैनी ऑफ द सोसाइटीज हैव स्टॉप मेड्स एंड अदर हेल्पर्स फ्रॉम एंट्रिंग, वाइल दिस इज करेक्ट एज दिस विल कीप पीपल एट होम, दे द वे ऑफ मैनेजिंग दिस डिस्टेंसिंग इज स्टिग्मेटाइजिंग। अब बहुत सी सोसाइटीज़ ने जो है वो जो सोसाइटी के अंदर जो है ऐसे लोगों की एंट्री बंद कर दी जो वहाँ जैसे मेड्स हैं या लेबरर्स हैं जो काम करने आते हैं, तो ये वैसे ठीक है उनको घर रखेगा लेकिन इससे एक स्टिग्मा पैदा हो जाएगा। वर्ड्स लाइक दे विल ब्रिंग दिस डिजीज टू अस, द डिजीज विल स्प्रेड बिकॉज ऑफ देम एटसेट्रा आर स्टिग्मेटाइजिंग। ये कहना कि ये साहब बीमारी लेकर आएंगे या इनकी वजह से बीमारी फैलेगी, इससे स्टिग्मा पैदा होता है। वर्क विद द लोकल इन्फ्लुएंसर्स की डिसीजन मेकर्स ऑफ द एरिया टू सेंसिटाइज पीपल, अपने जो मकाम के उस लोकेलिटी के जो प्रभावकारी लोग हैं उनको साथ लीजिए और उनसे बात कीजिए कि वो लोगों के ये भ्रम दूर करें। यूज़ द मास मीडिया क्लिप्स टू सेंसिटाइज, मास मीडिया के क्लिप्स जो हैं वो इस्तेमाल कीजिए जिस तरीके से अखबार में पोस्टर्स के जरिए जिस तरीके से भी कर सकते हैं लोगों को इस बात के में सचेत करने के लिए। यूज़ गवर्नमेंट ऑर्डर्स टू शो व्हाइल हाउसिंग सोसाइटी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द वर्किंग क्लास लाइक कार क्लीनर्स मेड्स एटसेट्रा। इसमें गवर्नमेंट के जो आदेश हैं उन्हें दिखाइए कि वो उनको रोक नहीं सकते, शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते जो वर्किंग क्लास है लाइक कार क्लीनर्स या मेड वगैरह। ये कोविड 19 के अगेंस्ट ये एक लंबी जंग है, एक विस्तृत युद्ध है जो बहुत से स्तरों पर लड़ा जा रहा है। हमारे स्तर पर ऐसा मैंने बताया कि डॉक्टर अनवर सईद ने डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और CCIM की कॉल के ऊपर जो है मास्टर ट्रेनर्स के नाम मांगे गए थे, तो जामिया तिब्बिया देवबंद की ओर से मेरा नाम भेजा और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने वो ट्रेनिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के सौजन्य से प्राप्त की। मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर अनवर सईद साहब का और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का और सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का, और मैं जामिया तिब्बिया को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा कि अगर वो और उसका स्टाफ और उसके जो देखभाल करने वाले लोग हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी जिनके पास हैं वो लोग इस जंग के अंदर कोई भी रोल अदा कर सके और कामयाब हो सके तो ये उनके लिए सबके लिए गर्व की बात होगी। आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस सेशन को अटेंड किया, इससे फ़ायदा उठाइए, इसको समझिए और अपना रेस्पॉन्स जो है वो दीजिए लोगों को इन रिटर्न। याद रखिए ग्रुप के ऊपर मैंने एक पॉकेट बुक डाली है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए, उसको पढ़िए और अपनी क्वेरीज अगर आपके कोई हैं तो ग्रुप के ऊपर अपने क्वेश्चन जो हैं वो डालिए, उनका जवाब आपको दिया जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ए हेल्दी सोसाइटी एंड हेल्दी नेशन। थैंक यू वेरी मच।